तुलसी हा? अभी तक तुम यहीं बैठी हो, पूजा का समय हो गया है, माला लेकर आओ। जी अभी लाओ। पूजा का सामान तो आता रहेगा, जाके खाने की व्यवस्था करो। राज जाकर देखो दादाजी तैयार हुए कि नहीं। बाबी जी। पंडित जी। बेबी जी। अभी तक बद्रीनाथ जी नहीं आए? वो नामकरण में गए, क्या है कि नामकरण का पैसा ज्यादा मिलता है ना, दिया जलने से पहले आ जाएंगे। जय वेंकटा, जय वेंकटा, जय गोविंदा, गोविंदा। शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। जय जय गोविंदा, गोविंदा, गोविंदा। आज एक बच्चे की जान बचाई, तेरी पगार बढ़ा दूंगा 10 रुपए। अभी गुंडों के यहाँ पूजा, जल्दी चल वरना पगार कट। केदारनाथ। हाँ गुरु। आज गुंडों के यहाँ पूजा का कार्य संपन्न हो जाएगा, अगली बुकिंग का जुगाड़ हुआ, अगले 5 दिनों के लिए शादी, उसके पश्चात एक श्राद्ध, अगले महीने का हरिओम भी हो ही जाएगा। भैया, जिस रिपोर्टर ने आपको अखबार में रेत माफिया बताया उसे उठा कर ले आया हूँ। गुरुदेव प्रणाम। मैं अंदर जाता हूँ। आप जाइए, मैं सवारी टिका कराता हूँ। हरिओम। आप एकदम वक्त पर आए। ओवर टाइम मिलेगा, वक्त से पहले पहुँचूंगा तो। हम नदियों से रेत निकाल कर बेचे या लोगों के गुर्दे कलेजी बेचे, तेरे बाप का क्या जाता है? सारी ईमानदारी का ठेका तूने ले रखा है, हाथ में कलम आ गई तो कुछ भी छापेगा, तेरी बदकिस्मती की रिपोर्ट तो हम लिखेंगे। पूजा से पहले ही ये लोग नारियल क्यों फोड़ रहे हैं भाई? अब पंडित लोग नारियल फोड़ के श्री गणेश करते हैं, ये गुंडे हैं सर फोड़ के श्री गणेश करते हैं। तुम्हारा मतलब इनके लिए नारियल और मनुष्य एक जैसे हैं? देखिए, आप लोग भगवान की पूजा करते हैं, ये लोग इंसान को डायरेक्ट भगवान तक पहुँचाते हैं। हुए को और डरा रहा है। आइंदा कभी मेरा नाम न्यूज पेपर में छापाना तो अगले घंटे में ही तेरी मौत की खबर छपेगी। बेटा इस पूजा का कमीशन भूल जा, चलो जल्दी। ये यहाँ क्या देख रहे बे? ये पान की थाली पूजा में रख दे, और हाँ चूना मत लगाना। हाँ। मैं नहा के आता हूँ। हरिओम। पंडित जी, धुआं थोड़ा कम कीजिए ना, दद्दू को खांसी हो रही है। बेटा तू अफ्रीका से आया है क्या? हवन की आग से धुआं नहीं निकलेगा तो क्या मेनका निकल के नृत्य करेगी? पंडित जी, दद्दू को दम्मे की बीमारी है, थोड़ा घी और लकड़ी कम डालो यार। तो क्या कैंडल जला के पूजा करते हुए? तेरी इतनी जल्दी तो खुदा के बढ़िया। लकड़ी डालता रहे, तू भी डाल। भगवान का काम है, थोड़ा पवित्र धुआं ले लो। Yeah.
पूर्ण होति समर्पयामी। एक चीज नोटिस की आपने दद्दू, होम हवन सबके लिए था लेकिन इसका सारा फल केवल आप ही को मिल रहा है। मेरा आपसे वादा है दद्दू, सुबह तक आप चेयर से उठ जाओगे। लोग फिक्र को धुएं में उड़ाते हैं। दद्दू दद्दू, यहाँ पे तो धुएं ने इनको उड़ा दिया। ऊपर वाले ने ऊपर उठा लिया। दद्दू क्या हुआ, उठिए। हे दद्दू, ये तो भगवान को प्यारे हो गए। अरे वो अंदर लिया फिर निकला ही नहीं। तू पंडित है डॉक्टर नहीं, मुझसे फूंक मारेगा क्या? अरे क्या हो गया, अब क्या हो गया? तूने धुआं दे देकर दद्दू को मार दिया। अरे पवित्र धुएं से कभी कोई मरा है आज तक? इनका टिकट पहले ही कट चुका था, बस वीजा अभी मिला है, इसमें हमारा क्या दोष? हे लॉयर, कैसे हुआ? पुजारियों ने पवित्र धुआं दे देकर परलोक भेज दिया। इन चारों की समाधि यही बना दो। भाई लगता है ये लोग कड़ियाई का काम करते हैं। भागो भागो, अरे हम भी आ रहे हैं। ओम भागो, हरि ओम भागो। हे पंडित, इतना स्कूल में भागे ला रहता तो गोल्ड मेडल मिलता। ओम भागो यामी अंतर्यामी, तेज भागो यामी, जल्दी भागो यामी। हे पंडित, अरे थक गया यामी। अरे ओला उबर बुला ले, अब भागा नहीं जा रहा। धरती माँ का आशीर्वाद लो। धरती मातेय नमः। बच गए, सही वक्त पे सिर नहीं झुकाते तो धरती माँ को हमारी आहुति मिल जाती। भागो। चलो चलो गुरुजी, वहाँ देखिए हमारी सवारी आ गई। कहाँ से प्रकट? अरे हमने ऑनलाइन बुक की थी, आप प्रवेश कीजिए ना। एसी है ना, प्रस्थान करो। देखो भाई एसी वाली टैक्सी में गए। धुलाई मत करो भाई, तूने कमीशन के चक्कर में ढोंगी पंडित को बुलाया, हम लोगों को लल्लू समझाया क्या? बता वो लोग कहाँ रहते हैं? भाई सच बोल रहा हूँ, मंदिर गया था तो जो पहले दिखा उसी को उठा के ले आया। माँ कसम मुझे उनका अता पता भी नहीं पता है भाई। ए नारी, उन चारों की अर्थियाँ हम ही उठाएंगे। मंदिर से लेके पाठशाला, पाठशाला से लेके गौशाला, हर जगह ढूंढो उनको। नजर आते ही दबोच लो और उन चारों की आठों किडनियाँ निकाल लो। आजाद भाई कहाँ मिलेंगे? वो अंदर मिलेंगे। तुम्हारी यहाँ भी मित्रता है? सब धर्म एक है गुरु। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या बोलते हैं? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? एकदम मस्त, दुआ है आपकी। आजाद भाई यहाँ थोड़ी देर आराम कर लें अगर आपकी अनुमति हो तो। उसने तो हमें एक समान बनाया लेकिन हम धर्म में बंट गए। लोग तो उसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं लेकिन रब तो सबके लिए एक ही है ना केदारी भाई। शुक्रिया भाई, आप आराम कीजिए। अपन कब तक यहाँ छुपे रहेंगे? मैं तो बोलता हूँ पुलिस कंप्लेंट कर दे। पुलिस ने हम शरीफों के लिए कुछ नहीं किया, इन शैतानों के लिए करेगी। हमारी हालत त्रिशंकु जैसी हो गई है, इनसे बचने के लिए हम जाएं तो जाएं कहाँ? हमारे पास एक योजना है बे, क्यों ना यहाँ से प्रस्थान करें। कहाँ के लिए? अमेरिका चले। नॉटी अमेरिका। अमेरिका जाएगा? तेरे दिमाग को मिर्गी आई है क्या? वहाँ जाके चर्च में रामायण का पाठ पढ़ेगा? मैं नहीं जाऊँगा, मुझे इंग्लिश नहीं आती। अरे गुरुजी हमारी बात तो सुनिए, भारत से हर वर्ष कितने लोग वहाँ जाते हैं, उन्हें पुजारी की जरूरत नहीं पड़ती होगी क्या? अब वहाँ भी मंदिर बन गए हैं। अगर हम अमेरिका जाते हैं तो हमें दो लाभ मिलेंगे। पहला, हमें इन कसाईयों से छुटकारा मिलेगा और दूसरा, दिन दुगनी रात चौगनी दक्षिणा कमाएंगे गुरु। यहाँ एक रुपया है लेकिन वहाँ एक डॉलर $70 होते हैं। अपनी वरिष्ठ बुद्धि को जरा सा होशियारी का धक्का लगाएंगे तो लाइफ स्वाहा होगी। वहाँ पूजा और पूजा दोनों कर सकते हैं। वो लोग किल कर देंगे अगर यहीं पर रुके रहे, इससे अच्छा अमेरिका जाकर चिल करते हैं। जाए मेरी टूटी फूटी जूती, मैं अपने प्राणों का प्रण लेता हूँ। मैं क्या, मेरी आत्मा भी अमेरिका नहीं जाएगी? क्या समय आ गया है, अपने ही घर में चोरों की तरह छुपना पड़ रहा है। तो अमेरिका चलिए ना गुरुजी, वहाँ आवारा भवरे की तरह भिनभिनाते रहना। अरे फिरंगी अफसराओं ने बुद्धि भ्रष्ट कर दी तो संस्कार धर्म आचरण सब भ्रष्ट हो जाएंगे। संस्कार का आचार डालोगे? वहाँ तो बाबा लोग योगा सिखा के करोड़ों कमा रहे। मैं पैसों का लोभी नहीं हूँ, कन्या का लोभी हूँ। मतलब अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है, 55 साल का हो गया हूँ, वहाँ मुझे कौन कन्या देगा? हम लोग तो जुगाड़ कर लेंगे। अरे विदेशी एक्सचेंज ऑफर भी देते हैं। मुझे देसी चाहिए, देसी मुर्गी और देसी घी अच्छा लगता है। लड़की और दारू तो विदेशी होनी चाहिए। गुरुजी टिकट भी सस्ती चल रही है। अरे चुप रहो, मेरे दिमाग का होम हवन बंद करो। बहुत कुछ कर सकते हैं, बच्चों के खिलौने, बड़ों के खिलौने। अरे पोटली, ये तो तालपत्र है। तालपत्र, ये कैसे गिरे? केदारनाथ जी गुरुदेव, अरे ये पूर्वजों के जमाने के तालपत्र हैं, नीचे कैसे गिरे? इन्हें संभाल के रखना चाहिए। मेरे पुरखों ने मेरी किस्मत एडवांस में लिख रखी थी, सोचो वो कितने एडवांस ज्योतिषी होंगे। गुरुदेव वैसे आपने कभी अपना भविष्य पढ़ा है? हाँ हाँ दिखा। 100 साल बाद हमारी अगली तीसरी पीढ़ी में एक प्रख्यात पंडित जन्म लेगा, अपने वंशजों का नाम रोशन करेगा, सिर्फ भारत वर्ष में नहीं बल्कि 7 समुद्र पार, यहाँ का पानी ले जाके वहाँ के समुद्र में संगम करेगा, विदेश में जाके वहाँ की देशी कन्या से विवाह रचाएगा। इसका मतलब है कि आप विदेश नहीं गए इसीलिए आपकी शादी नहीं हो पाई, आपके महान पुरखों ने सब पहले से लिखा हुआ है। ये लाइन कभी नजर नहीं आई, बहुत बार पढ़ा है। आपने अवश्य पढ़ा होगा पर आप इतने व्यस्त रहते हैं कि भूल गए होंगे। एक बार हम अमेरिका चले जाएं तो बद्रीनाथ को दुल्हनिया मिलेगी और हमारा श्राद्ध भी नहीं होगा। अमेरिका का पानी नहीं करेगा।
गुरुजी, यमराज को हमारा एड्रेस मिल गया। भाई मुझे एक अंतिम संस्कार पे जाना है। भाई आजकल सब कुछ आधार कार्ड से लिंक हो गया, चलो निकलो। पंडित लोगों की फूंकी बजाओ, जाओ। तू तो गया पंडित। ऊपर वाले बचा ले। चिल्ड्रन ऑफ गॉड बिलीव इन गॉड, वो आपकी रक्षा करेंगे। गॉड अपने चिल्ड्रन का कभी भी बुरा नहीं करते हैं। आओ मिलकर प्रे करें। रास्ता भटक गए हो क्या? नहीं, हम थक गए आमी, यहाँ थोड़ी देर रिलैक्स कर यामी। My blessed one, भगवत गीता, बाइबल, ये किताबें इंसानियत का ही पैगाम देती हैं। Amen. जेंटलमैन, चुप वरना भगा देंगे। आ बैठ। ओके फाइन मैन। भाई वो लोग चर्च में गए होंगे। चर्च में पंडित क्या हवन करेगा? तेरा दिमाग खराब हो गया, चल आगे। कैसे चलता रहा तो बाल बच्चे होने से पहले ही बाल उड़ जाएंगे। इसीलिए तो हम चाहते हैं आप मरने से पहले वहाँ का क्रिसमस भी देख लें। भागते भूत की लंगोटी हो गया हूँ मैं, चलो अमेरिका। साइमन डोंट गो बैक, वी आर कमिंग। वहाँ जाके ट्रंप के कच्चे धोएंगे क्या? करेंगे क्या? भाई मत, वहाँ मेरा दोस्त है आदिदास, कालिदास का भाई। देवदास का साला करता क्या है? दरअसल लॉस एंजलिस में वेंकटेश्वर का मंदिर है ना, वहाँ वो ट्रस्टी है। आपको मुख्य पुजारी बनाएगा, इसे असिस्टेंट बना देगा, इसे उसका असिस्टेंट, और मुझे कैशियर बना देगा। केदारनाथ अब जब जा ही रहे हैं तो मेरे पुरखों की दी हुई सलाह मान ले, भारत का संस्कारी पानी ले जाकर अमरीका के समुद्र में संगम कर दे तो मेरा भी संगम हो जाएगा। इतनी तुच्छ बात। अरे प्रवीण, तू एक पीतल का लोटा लेकर जा और समंदर का जल भर कर। I said stop. Please remove your watch, take out belts, electronics, jackets, shoes. आते ही स्वाहा कर दिया। बस धोती उतरवाना बाकी रह गया है। कहा था ना नंगे पोंगो के देश में नहीं जाना। गुरुदेव, सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, अगर इन्हें शक हुआ तो हमारा चीर हरण कर देंगे। हम द्रौपदी थोड़ी हैं। बोलिए, वरना वहाँ डालेंगे जहाँ कृष्ण का जन्म हुआ था। कहाँ? काल कोठरी में। सायरन कहाँ बजा? कहीं आग लगी है क्या? कुर्ता, कुर्ता आप करो। कुर्ता उठाइए गुरुजी, इन्हें तलाशी लेने दीजिए। कुर्ता उठा के क्या करेगा, पंडित को इज्जत प्यारी है। ये स्वाहा करे, उससे बेहतर है आप ही उठाइए। What is this? They are bullets. Terrorists. They are not bullets, sir. यंत्र, मंत्रित किया हुआ। यंत्र? मेरी शादी के लिए है जी। What यंत्र? These are for good luck. Oh. शुभ भाग्य। प्रदेश। What's this? जल, वाटर। वाटर? नहाने का, धोने का, चौपाटी का पानी, वाटर। व्हाट चौपाटी? पवित्र संस्कारी भारतीय वाटर। आई थिंक दिस इज गोल्ड, यू आर स्मगलर। यानी व्हाट इज दिस? एक्चुअली दिस इज हिंदू ट्रेडिशनल वाटर। ओह, ऑलराइट, यू कैन गो। जाते जाते मेरा आशीर्वाद ले लो। वत्स, ऊपर वाले इसको हिंदी समझने की बुद्धि दे। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। व्हाट्स डूइंग? अरे सर, एक्चुअली ही इज गिविंग यू हिंदू ब्लेसिंग्स। गो गो ब्लडी इंडियंस। गुरुजी, गुरुजी, कुछ विशेष वार्तालाप करना था। अभी मेरा मूड नहीं है, बात के बाद। मामला बहुत गंभीर है। अमेरिका देखने दे रहे भाई। वाह, क्या ऊंची ऊंची इमारतें हैं, यहाँ का मौसम भी बेईमान है। जल्दी पधारिए गुरुदेव, जल्दी। यहाँ की बालाएं बला की सुंदर हैं। वो देखो भूत पिशाच भी हैं। एक तस्वीर ले ले। बोलो स्वाहा। मुझे तो भाई गोविंदा गोपाल अमरीका अमरीका। अरे वाह, तारे जमीन पे बैठ जाते हैं तारे पे। अरे साइकिल जैक्सन भाई। सुनिए तो, अमरीका इतना भी बुरा नहीं है। तुमने अपने दोस्त आदि की बात की थी ना, जरा उसको मिस कॉल मार दे, मंदिर जाके नहा धो लेते हैं।
अदिदास उसका नंबर गुरुजी वो मैं आदि गुरु नंबर तेरा मोशन स्लो क्यों हो गया? उसका नंबर नहीं है हमारे पास। नंबर नहीं है मतलब? अदिदास नाम का कोई है ही नहीं गुरुदेव। तूने गुरु को धोखा दिया? अरे आदिदास नहीं तो जमुना दास को कॉल कर। यहाँ सिर्फ हम ही आपके दास हैं। अब अमेरिका में क्या सनी लियोन के घर पर रुकेंगे? गुरुजी अमेरिका आने के लिए तैयार ही नहीं थे तो हमने झूठा मंत्र फूंक दिया। ये तेरी गुरु दक्षिणा है? उस दिन लंबी लंबी छोड़ रहा था अमेरिका में, मैं पुजारी है, मेरा असिस्टेंट ये उसका और क्या? और वो ट्रस्टी? आपका ट्रस्ट जीतने के लिए ट्रस्टी की कहानी बना दी। पर आए देश में कोई भीख भी नहीं देगा। अब साइलेंट मोड में क्यों चला गया? मौन व्रत रख लिया? तू यहाँ पे जरूर बाथरूम साफ करवाएगा। ये खुलता कैसे? तोड़ दूं? कहाँ डालूं ये डंडा? स्वाहा, झूठे फंसा दिया। चल स्केटिंग जैसा है। कहाँ फंसा दिया? अमेरिका में। अमेरिकन वड़ा पाव। क्या दिन आ गए हैं। इंडिया में ये सूखी नान तो बकरी भी नहीं खाएगी। पानी। अरे गुरुजी, दिल कर रहा है जल समाधि ले लूं। देश में मिडिल क्लास थे, विदेश में थर्ड क्लास हो गए। विश्वास घाती, इसे कहते हैं कमर तोड़ मेहनत। मजदूर बना दिया रे। सारा किया धरा इसका है। चल बात इसकी तो सब कुछ इसकी वजह से हुआ। जी करता है तेरा क्रियाक्रम यही कर दू। पंडित से कैसे बना बावर्ची? पहले लोगों से सामग्री मंगवाते थे, अब सुबह से लेकर शाम तक बस सामग्री जमा करते रहो। ठीक जस लो एप्पल खाओ। दक्षिणा लेने वाले पंडित को लोग भीख दे रहे हैं। बर्गर से सब जाम हो गया। क्या खा के आए थे? Can you tell me something about this? इसके बारे में कुछ बता सकते? थक गया रे गोविंदा। तेरी तो अरे ये तो स्वर्ग है। अफसर आए गुरुजी, स्वर का ट्रेलर अफसर आए। मेनका, उर्वशी, रंभा, ये दक्षिणाम समर्पयामि, दक्षिणाम समर्पयामि, सब कुछ अर्पयामि। अरे गुरुजी क्या अश्लील हरकतें कर रहे हैं, चलिए। अरे जितने पुण्य कमाए उसे वसूल तो करने दे। एक्सक्यूज मी, हैव यू सीन? सोमरस पियोगी? तू भी पिला? नो थैंक्स। ले लीजिए ना मैडम। एक सेकंड, टेस्ट करके बताता हूँ। वेरी टेस्टी, ड्रिंक ड्रिंक, गुड गुड। सोचा था क्या क्या हो गया, हम सबको पोंगा पंडित बना दिया। दिल कर रहा स्टैचू ऑफ लिबर्टी के नीचे तेरे को गाड़ दूँ। Your future is bright like your face. कुंडली में तीन कन्याओं का योग है, छुट्टा दो। जागो मोहन प्यारे, उठो मेरे राज दुलारे। अरे आपसे अभी बहुत विद्या सीखनी है, दुनिया छोड़ने को नहीं कहा गुरुदेव। इसे उठा क्यों नहीं लेता? ऊपर वाले, मारो इसे। भागो। रुक। कराटे मार रहा है, मैं सोच भूकंप कहा ये भी। Hey, can you help me please? No, no, sorry. रास लीला। गुरुजी रुकिए, नजदीक से देखता हूँ। अरे 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 क्या कर रहे? ये दोपहर हो रही है, उठो। गुरुदेव कहाँ है? अरे वन रूम किचन का तो घर है, यहाँ नहीं है तो कॉमन टॉयलेट की लाइन में खड़े होंगे। अरे वहाँ नहीं है इसलिए तो पूछ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ चले गए। गुरुदेव
आप यहाँ विश्राम कर रहे हैं बिना बताए चले आए, हमें कितनी चिंता हो रही थी, चलिए घर चलते हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मॉल बार रेस्टोरेंट सुपरमार्केट सब जगह सफाई कर चुका हूँ, यहाँ के ट्रस्टी के पैरों में गिरकर इस मंदिर की साफ सफाई कर लूंगा और यही पड़ा रहूंगा, तुम लोग जाओ मैं नहीं आऊंगा। अरे वाह, नाम लिया और शैतान हाजिर। आइए 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 आइए। नमस्कार जी। मेरा नाम बद्रीनाथ है, अपने भारत देश में मैं बहुत ही आदरणीय पुजारी था, भाग्य फूट गया इसलिए शिष्य के कहने पे यहाँ चला आया, आपकी कृपा हो जाए तो ईश्वर के चरणों में रहके उसकी सेवा करूँगा, मंदिर की सीढ़ियों पे सो जाऊंगा। स्वामी रारा भक्तों का आसरा, तेरे द्वारे में आई। स्वामी रारा भक्तों का आसरा, तेरे द्वारे में आई। भर दे झोली तो खाली, स्वामी रारा भक्तों का आसरा। आइए सब लोग आरती ले लीजिए। स्वामी जी, अभी जो कन्या भजन गा रही थी वो तो चली गई है। उसे मैं जानती तो नहीं, लेकिन वो उस तरफ गई है। धन्यवाद। Hi, there was a girl singing inside. Did you see her? Yeah, वो देखो जा रहा है। Thank you. ये मुंह फाड़े कहाँ देख रहा है? कैलाश पर्वत दिख गया क्या? ये उससे भी अद्भुत था गुरुजी। पर मिल नहीं पाया। पर मुझे मिल गया रे, अद्भुत से भी अद्भुत समाचार। वो क्या? मुझे इस मंदिर में झाड़ू पोछे का काम मिल गया। सच में? हाँ। इस पे तो मुंह मीठा करना चाहिए। सुन रे, वो सांता मुनि का बीच कहाँ पर है? वो किस लिए? अरे भूल गया, वहाँ जाके पानी जो मिलाना है। कन्या कपड़े भूल गई, उस पर अपना गमछा डाल दूं क्या? गुरुजी आराम से। कितना अच्छा माहौल है यहाँ। मेरी सीटी बजा दी। अगर पहले मुझे गूगल बाबा या यूट्यूब पे अमेरिका के हसीन नजारे दिखाए होते तो मैं खुद तुझे अमेरिका घसीट लाता। सुन केदारनाथ, उम्र में तुम अभी बालक हो, तुमसे ये बात नहीं करनी चाहिए, पर अमेरिका की अप्सराओं की काया देखकर मेरा कमंडलू हिल डूल गया। गुरुजी जरा आराम से। इस देशी जल को जाके विदेशी जल में अर्पण करता हूँ, ताल पत्र पे लिखा भविष्य सत्य हो जाएगा और मुझ गरीब को घर का खाना भी मिलेगा। 100% सत्य होगा। हे भगवान, मेरा मिलाप एक लज्जाशील विशुद्ध संस्कारी भारतीय नारी से करवा दो जो कम खर्चा करवाए। जल मिलाते ही हो गई हलचल। हे खलबली रे खलबली, ये तो है एक जलपरी। गुरुजी को पता चला कि वो ताड़पत्री मैंने लिखी थी तो इसी समंदर में प्राणों की आहुति दे देंगे। इसका मतलब वो सब गुरुजी के पुरखों ने नहीं लिखा था? नहीं। मतलब ये तेरा केला कांड है? उन्हें पता चल गया ताड़पत्री का मैसेज फेक था तो? तू बताएगा? नहीं। रेणुका, हाँ, लंच का टाइम हो रहा है, घर चलो। वो सांता मुनि के बीच पे हर हफ्ते आप जाइए, हम पूजा करके आ जाएंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, हमने आपको देखा नहीं। हमने
इससे पहले आपको यहाँ कभी नहीं देखा? नहीं नहीं, भर्ती हुई है। हमारा नाम सुरेखा है, हम कभी कभी यहाँ आते हैं। और मेरा नाम बद्रीनाथ है, मैं हमेशा यही रहता हूँ। आप लोग कहाँ से आए हैं? अमरावती से। ओके, हम लखनऊ से हैं, इंडियन एसोसिएशन में काम करते हैं। आपको कोई भी काम हो हमें बताइए। सुन रे आदेश गुरुदेव, कल यहाँ के पानी का मॉकटेल बनाया और आज ये कॉकटेल मिल गई। इसे प्राशन करके नशे में झूमने का मन कर रहा है। अपनी ट्रेन को ब्रेक लगाइए। वैसे मैडम, हमारे गुरुदेव इस मंदिर में आरती के अलावा नामकरण से श्राद्ध तक सब करवाते हैं। आप रेफर करेंगी तो आपको भी कमीशन दे देंगे। कमीशन हमें नहीं चाहिए, हमारे बॉस की अगले महीने शादी है, सगाई से लेके फेरों तक सब कुछ आप ही करिएगा। थैंक यू मैडम, कल हम आपको अपने बॉस से मिलवा देंगे। गुड मॉर्निंग बॉस। गुड मॉर्निंग। शॉर्ट सर्किट नहीं होता, इसकी बॉडी की सारी वायरिंग तो खुली पड़ी है। धीरे से बात कीजिए वरना मसल से मसल कर रख देगा। बॉस, पंडित जी आ गए हैं, बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी। नमस्कार। पंडित जी। हाँ जी। खर्चे का कोई टेंशन ना करो, शादी का ऐसा मुहूर्त निकालना कि कोई परेशानी ना हो। सरस्वती देवी गुरुजी की जीवा पर विराजमान है, ये शादी तो यमराज जी भी नहीं रोक सकते। सुरेखा, $50,000 इनके अकाउंट में डाल। ओके बॉस। मेनका जी, अब लड़का लड़की की कुंडली मिल जाए तो सगाई के लिए उत्तम मुहूर्त निकालूंगा। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। ये वीर सिंह जी हैं और ये इनकी धर्मपत्नी है। नमस्ते। ये लड़की नमस्ते। के मामा और मामी। भाई मुहूर्त तो अच्छा निकाला ना। वधू वर के सितारे तो गर्दिश में थे पर गुरुजी उन्हें लाइन पर ले आए। अरे हमारे गुरुजी मुहूर्त स्पेशलिस्ट हैं। सुरेखा तो अकेले में इनकी बहुत तारीफ कर रही थी। मैं इसके लिए स्पेशल हूँ और मेरे लिए ये स्पेशल है। इस शुभ अवसर पर अपना भी मुहूर्त निकाल लो। चालू है। अरे पंडित जी धूप में क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। अरे कठे हो, जल्दी आओ ना। अरे गुरुदेव, वो बुढ़ाऊ याद है जो हमारे हवन से हेवन चला गया? ये तो उसी की पोती है रेणुका। अब तो गए गुरुजी। फूटी किस्मत, खाई से बचे तो सीधे मौत के कुएं में कूद पड़े। इतने बड़े पंडित हो, खुद की कुंडली सही नहीं कर सकते क्या? क्षमा। अरे पंडित जी, ऐसा क्या किया जो मुंह छुपा रहे हो? दुल्हन आ गई है, रस्म शुरू करो। शादी की रस्म या हमारी मौत की रस्म? नमस्कार बेटी, तुम्हारी शादी का मुहूर्त निकालने आए हैं। ये क्यों रो रही है? रोने की बारी तो हमारी है। गुरुदेव, आंखें रेणुका की नम है लेकिन आंसू इसके टपक रहे हैं। दोनों ने कहीं हवन तो नहीं किया? ए, रेणुका! 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 क्या हुआ तुम्हें? बच गए, किसी ने नहीं देखा। देख भी लिया और घायल भी हो चुका हूँ। स्वाहा हो गया। केदारी, ये केदारी। धर्म भ्रष्ट हो गया। ये बेवड़ों की तरह ऐसे झूम क्यों रहा है? पंडित का काम अब मुझसे नहीं होगा। होगा, अवश्य होगा पापी केदारी। ऐसा हॉट दृश्य देखा कि मेरे कलेजे में ठंडक पड़ गई। नहीं नहीं, कर्तव्य पे ध्यान दो, पूजा में मन लगाओ। चलो भूल से ही सही, ये सुंदर फूल भी तो उसी की देन है। ये केदारी। गुरुदेव,
एक लघु शंका है। लगी है क्या? नारी सुंदरता पाप है या फिर पुण्य है? पाप पुण्य से भी ऊपर है। ब्रह्मचारी से क्यों पूछ रहा है? आप लगते नहीं है लेकिन अंदर से बहुत रंग बिरंगी है। इस विषय में पड़ेगा तो लोगों की पड़ेगी। क्या चल रहा है पंडित? पूजा की सामग्री में कुछ झोल झाल तो नहीं है? बिल्कुल चिंता मत कीजिए, 5 मिनट में पूजा शुरू कर देंगे। दादाजी नमस्ते। आओ शीला आओ। भाई हमारी बहुत खास है, इन्हें तुम भी अपना ही समझो। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार जी। पूजा शुरू करने की अनुमति दीजिए। हाँ शुरू करो। ए जय श्री कृष्ण गुरु जी। आओ वकील साहब, सही समय पर आए हो। गुरु जी एक जमाने में आप शहर के सबसे बड़े वकील थे, लेकिन तब भी मुझ जैसे छोटे वकील को शिष्य बनाया। अब इतनी इज्जत भी मत दो कि मुझे हजम न हो। मैं तो बस पूजा में जुड़ने आया हूँ, अगर आपकी अनुमति हो तो। हाँ स्वागत है। परिवार के सभी सदस्य बैठ जाएं। होम शुरू होने से पहले ही प्रसाद। ऊपर वाला मेहरबान तो मैं पहलवान। यार जरा वो भूसा देना। आईना देना। अरे देना। ये स्टील प्लेट से काम चला लो। अगरबत्ती कहाँ है? चलिए जजमान दद्दू, होम हवन की तैयारी हो गई। किसके हाथों पूजा शुरू करवाएंगे? मेरी पोती ये शुभ कार्य करेगी। बेटा रेणुका। हाँ, आ गई तू। अरे पंडित जी। जी कहिए। ये मेरी पोती है, माँ बाप गुजर चुके हैं, इसके जीवन में कभी भी कोई परेशानी ना आए इसीलिए ये हवन रखवाया है। बहुत अच्छे। अगले 9 दिनों तक प्रार्थना, पूजा पाठ, होम हवन, आराधना, जप जाप सब कुछ इसके कल्याण के लिए करूँगा। बालिके अग्नि प्रज्वलित करो। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। यजमान पहला अध्याय समाप्त हो चुका है, नाश्ता पानी की व्यवस्था कर दीजिए। आप भी साथ चलिए ना, खाना भी खाना है, थोड़ा ही देना। थोड़ा सा प्रसाद मेरी भी झोली में। आप तो दुनिया को बांटते हैं पंडित जी, और आप मुझसे मांग रहे हैं। हम बांटते हैं वो प्रसाद होता है, आप स्वयं हमें देंगी तो अमृत बन जाएगा। लीजिए। नाम सुनने के लिए कान तरस रहे हैं। दिव्या भारती। अब तुम आइला मुलगी पटली। पैर में बिछिया नहीं, गले में मंगलसूत्र नहीं, यानी मेरे लिए खुला आमंत्रण है। उसे अकेले में मिलकर। अरे 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 केदारी। हाँ गुरुजी। क्या हो रहा है? अपने गुरु को नमस्कार किए बिना कहाँ भागा जा रहा है? कुछ पर्सनल काम करना था गुरुजी। ओ ठीक है, भगवान तुम्हें उसमें कामयाबी दे, अब मेरी कामयाबी तो मेरे सामने खड़ी है। जैसी आपकी आज्ञा। What a fantastic Indian tradition, पंडित लोग पूजा कितनी अच्छी करवाते हैं। ये मामूली पंडित नहीं है, ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात भगवान घर पर उतर आए हो। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते मैडम। नमस्ते, आपसे निजी वार्तालाप करना था। करिए ना। यस। हमने आपको निर्वस्त्र देख लिया। मैं गाय की नहीं राई। अरे नहीं नहीं, आपको नहीं, आपको नहीं। मेरी कामसिन गाय को देख लेता तो मैं मर जाती। इन्हें देखा? क्या? क्या? मुझे नहीं। निर्वस्त्र का मतलब? सिंपल है, विदाउट क्लोथ्स के। कैसे देखा, कब देखा और क्यों देखा? हम जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवाय कुछ नहीं कहेंगे। उस दिन की बात है जब मेरे गुरु ने मुझे कलश लाने के लिए फर्स्ट फ्लोर पे भेजा और मुझे कहीं से अचानक पाश्चात्य संगीत की ध्वनि सुनाई देने लगी। सीरियल के एपिसोड की तरह पार्ट्स में मत बताओ। ये कोई सीरियल का एपिसोड नहीं है, मैंने तो पूरी फिल्म देख ली, आंखें तृप्त हो गई। इसकी तो पूरी डिटेल में बता। मुझसे वादा कीजिए अब हम लोगों में जो संभाषण होने वाला है वो किसी को नहीं बताएंगे। बुधवार सुबह ठीक 4:32 पर जब चंद्रमा ने
फाल्गुनी शुभ नक्षत्र में प्रवेश करने का सौभाग्य पाया। ये फाल्गुनी क्या है? मैं तो लुट गई। सिंपल लैंग्वेज में क्यों नहीं समझाता? मतलब जब गुरु ग्रह मेरी कुंडली के गुड लक स्थान में बैठा और शुक्र ग्रह सुख स्थान में, ठीक उसी दिन भाग्य के दरवाजे हमेशा के लिए खुल गए। और क्या कहूँ, इसी वजह से वो शुभ घड़ी आई जिसमें मुझे मुझे आपको निवस्त्र देखने का सौभाग्य मिला। तुम पुजारी नहीं हो, फ्रॉड हो, डंगी हो, तुम ये तुम अपना नारियल पकड़ो, अपने सर पे फोड़ो। इस बेबी डॉल को बॉबी डॉल मरने से पहले ही देख लिया। ए, चुप कर। चलो देख लिया तो देख लिया, बताने की क्या जरूरत थी? आपको निवस्त्र देख लिया ये बात किसी और को तो नहीं बता सकता ना, इसीलिए आपको बताया। चुप हो जा। इतना क्रोध किस लिए? अरे क्या, तेरे पैर धोते पीऊं? क्या चाहते तुम? देखिए घर में पूजा पाठ चल रहा है, हवन जलाना चाहिए ना कि दिल। वैसे भी आपका नृत्य देखकर दिल करता है मैं भी एक नृत्यशाला खोल दूं। अगर कभी बोर हुआ तो आंखें बंद करके आपका नृत्य याद कर लूंगा। अपनी बकवास बंद कर और निकल यहाँ से, निकल। काला तिल भी देख लिया होगा। ये पंडित ठरकी है, किसी और को भी बता देगा। सही बोली। ए पंडित रुक पे। जी देवी जी, जो देखा है सब कुछ भूल जाओ। हाँ। किसी से कुछ मत कहना। ऐसे पावन मौके पर ये बात किसी से कहूंगा मैं? सब डिलीट कर। आपकी कहीं बातें कागज पर लिख लूंगा और उसे तावीज बनाकर मैं अपने गले में पहन लूंगा। हैरेसमेंट का केस करूंगी, उसे मिटा दे। ठीक है डाल दूंगा, गॉड प्रॉमिस। डोंट क्राई बेबी, आई थिंक वो तुम्हारा दिल कभी नहीं भूल पाएगा। इसमें हजार से भी ज्यादा फिल्में हैं दादाजी। साउथ की फिल्में हैं, हिंदी फिल्में हैं और भी बहुत सारी फिल्में हैं। इसमें गाने भी हैं। इसमें आपके बचपन की भी फोटो है और ये शादी की फोटो। इसमें हमारा पूरा परिवार बंद है दादाजी। इसमें हम सेल्फी फोटोज के साथ सेल्फी वीडियोस भी ले सकते हैं। बताइए दादाजी आपका फेवरेट कौन है? बताइए बताइए, मैं हूँ ना। मेरी फेवरेट तो तुम्हारी दादी थी। मेरे साथ 60 साल बिता के आज मुझे अकेला छोड़कर चली गई बेटी रेणुका। मेरी एक ही इच्छा है जो तुम्हें पूरी करनी है। और वो कौन सी है बताइए, मैं उसे पूरा करूंगी। कोई बड़ी इच्छा नहीं है। तुम्हारी दादी की अस्थियां मैंने काशी में विसर्जित की थी, मेरी अस्थियां भी काशी में विसर्जित कर देना बेटा। दादाजी चुप हो जाइए, अभी तो आपको मेरी शादी करवानी है और मेरे बच्चों को गोद में खिलाना है और फिर उनकी भी शादी कराना। अरे बाप रे, कितनी सारी डिमांड्स रख दी। चलो चलो चलकर खाना खाते हैं। अरे केदारी, आदेश गुरु। पूजा सही करवा रहा हूँ ना। वाह 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 वाह, ऐसी पूजा जो ना पिछले 100 सालों में हुई है ना अगले 100 सालों में होगी। आपका नाम पंडित लोग की गिनीज बुक में लिखा जाएगा। आजकल मुझ पर कृपा बरस रही है। संविधान समर्पयामि। क्या लड़की है, कमर जैसा मुखड़ा, डाली जैसी कमर, इसकी काया का कायल हो गया हूँ। यजमान हवन का दूसरा दिन भी समाप्त हो गया, खाना लाओ। भाई तेरे को अखमारी के मेरे को अखमारी? सपने मत देखो, तुम दोनों को आंख नहीं मारी, मुझे आंख मारी। गुरुदेव दक्षिणा में कुछ और लेने लगे हो क्या? पहले ही दिन से उसका हवन कर रहा हूँ। शुरू हो गया, शुरू। सब सुनो, लेता हूँ ये फल मिठाई और नारियल सब समेट कर मेरी साइकिल पे लटका दो, मैं दक्षिणा लेके आता हूँ। ठीक है, ये लीजिए और आशीर्वाद दीजिए। शुभम भवतु। सुनो, ये सब कुछ मेरी साइकिल के हैंडल पे लटकना चाहिए, एक भी तुम्हारे पेट पे नहीं जाना चाहिए, समझा? मेरी साइकिल पे भी लटका देना। कर्म पे ध्यान दो, फल मैं खा लूंगा। बाप रे, इसे कहते हैं पसीने की कमाई। गुरुदेव तौलिए से पसीना पोछ लीजिए। अनर्थ हो गया। अरे गुरुदेव, गुरुदेव उस टॉवल को हाथ मत लगाइए। क्या हुआ केदारी? पता नहीं उससे किसने क्या किया होगा। किसी ने चेहरा ही पोंछा होगा, और क्या पोंछ सकता है। लेकिन ये टॉवल आपके लायक नहीं है। क्यों, इस टॉवल में क्या कांटे लगे हुए हैं? आप समझे नहीं, इसमें मैंने बुधवार को शाम 4:30 बजे में। अपना मुंह बंद रखिए। अरे मैडम जी, ये हमारे गुरु हैं, मैं इनसे कुछ नहीं छुपा सकता। मैंने कहा ना चुप कर। अरे ये अपने शिष्यों और भक्तों के अलावा किसी से कुछ नहीं कहेंगे। कौन सा पुनर्वसु नक्षत्र में था और गुरु भाग्य अरे वो चावल की बोरी, बेचारे को धक्का क्यों मारा? बैलेंस आउट हो गया। मेरा केदारी आउट हो जाता तो इतना सस्ता आदमी कहाँ मिलता है। ए केदारनाथ, आपने तो मुझे बचा लिया, वरना पता नहीं मैं कहाँ जाकर टकरा जाता।
दादाजी फोटो में तो नथुलाल जैसी मुझे और अब सब साफ। अच्छा वो बात ये है कि मेरी पोती जब छोटी थी उसे प्यार करते वक्त मेरी मुझे चुपती थी तो उसने जिद करके मेरी मुझे साफ करवा दी। कितना ख्याल है पोती का दद्दू। अच्छा एक बात बता पंडित, तेरी मुँचों का मुंडन भी क्या तेरे पोता पोतियों ने करवा दिया है? अरे पोता पोती तब होते जब इनका बेटा होता और इनका बेटा तब होता जब गुरुजी की शादी होती। इनका ग्रह दोष दूर करने के लिए कई यज्ञ किए पर कोई राजी नहीं हुई। अब तक किसी के साथ कुंडली मिल नहीं पाई, ये होम हवन पूरा होने तक कोई जरूर मिल जाएगी। हाँ मैं बाद में देखती हूँ। बुढ़ापे में भाग्य संवर गया, किसी लड़की ने मुड़कर तो देखा। ये क्या गड़बड़ है गुरुजी, वो तो नैन मटक्का करके चली गई। तुमने भी देखा ना, दोनों तरफ यज्ञ बराबर चल रहा है। यजमान हा? अब हम प्रस्थान करेंगे। हाँ ठीक है, मुझे विवाह के लिए आशीर्वाद दीजिए। कल्याण हो, जल्दी से तुम्हारी शादी हो। तूने क्यों लिया, वापस देख कर रहा था। चलते हैं। कितना मीठा और रसीला आम है, मैं इसी के लिए इंडिया आते हैं। विद्या अपनी बड़बड़ बंद कर और ये सोच के उस पंडित से कैसे बदला लेना है। एक आइडिया आया, मैं पंडित के पास जाके पूछूंगी कि पंडित जी ये साष्टांग नमस्कार कैसे करते हैं, मुझे करके दिखाइए ना, और वो राजी हो जाएगा। जैसे ही वो डेमो देने के लिए जमीन पे लेटेगा, तुम 100 की स्पीड से भागते हुए आना और अपना 100 किलो का वजन उसके पीठ पे डाल देना। आई गॉट इट, उसके पीठ टूट जाएगी और मतलब पूरा हो जाएगा। मैंने देख लिया है, मुहूर्त सही है। क्या काम है पंडित जी? हाँ? मेरा एक काम करेंगे। हाँ, हाँ जरूर करेंगे, बताइए क्या काम करना है। ये बताइए साष्टांग नमस्कार कैसे करते हैं? ये तो बहुत आसान है, अभी दिखाता। सबसे पहले घुटने के बल बैठ जा और झुक जा। मैं समझी नहीं, अच्छे से करके बताइए ना। अरे साष्टांग नमस्कार तो बहुत आसान है, मैं करके दिखाता हूँ। ऐसा लेटने का और फिर आँख बंद करके गणेश जी को याद करके बोलने का, पूरा दम लगा के। नमस्कार। गलती तो होगी ना, हाथी के बच्चे को घर में रखोगे तो यही होगा ना। ये 250 किलो की हाथी जब पांव उठाती है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। सॉरी बोला ना, चूहे के चक्कर में छछूंदर फंस गया। तुम तो ठीक हो ना? हल्दी वाला दूध भी पिला दे, कमजोर लग रही है। सहारा दो। चल 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 चल। 10 साल बाद यहाँ आया हूँ बेटा, इन हरे भरे खेतों को देखने को आंखें तरस गई थी। अब तो मैं आ गई हूँ ना दादाजी, आपको रोज यहाँ की सैर कराया करूंगी। नमस्ते साहब जी। हाँ नमस्ते, तुम्हें कभी पहले देखा नहीं, कौन हो तुम? अरे अरे कौन है ये लोग? ए पंडित, यहाँ कोई सत्यनारायण की पूजा नहीं हो रही है, चल निकल। तू जानता नहीं मैं उस विष्णु की पूजा करता हूँ जिसने राक्षसों का वध करने के लिए 10 अवतार लिए थे। ना इस धरती पर कोई पाप करूंगा ना तुम जैसों को करने दूंगा। अरे बाप रे हिंसा, अरे केदारनाथ यहाँ तो मार काट मची हुई है। दद्दू के नाम की लकड़ी जली तो दक्षिणा गई। दद्दू ये तो आपके अपने खेत हैं, किसान कसाई कैसे बन गए? देखो ना। गुरुदेव रोकिए उन्हें। ओए, एक अहिंसावादी ब्राह्मण अकेले 10 ब्रह्म राक्षसों का सामना कैसे करेगा? हे, आगे बताना। तुम्हारे घर में पूजा पाठ फ्री करूंगा, एक ब्राह्मण को मारना पाप है। अरे चल रहे हैं। अरे रुक जा, जाके बिटिया को बचा। रक्षा करो प्रभु।
मेरी पोती पर किसने हमला करवाया? मुझे उसका नाम बताओ। कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? क्या तुम में से कोई है? आप खामखा परेशान हो रहे हैं फकुर जी। हो सकता है वो जेवर लूटने आए हो। वो चोरी करने के लिए नहीं आए थे। उन्होंने रेनू को मारने की कोशिश की थी। आज ही इसे अमेरिका वापस भेज देना चाहिए। पिताजी, इसी के लिए तो पूजा रखी है। खत्म होने से पहले नहीं भेज सकते। ससुर जी, आप चिंता ना करें, वो जो भी है उस कायर को ढूंढ निकालूंगा। आप इत्मीनान रखें। तुम्हारा यह एहसान मैं कैसे चुका पाऊंगा? आप बिल्कुल मत घबराइए दादाजी। जिस किसी ने यह नीच हरकत की है, आपकी कसम खाता हूं, उसे ढूंढ कर आपके सामने लाऊंगा। मुझ पे भरोसा रखिए। हाँ डैड। फटिया गया है? रेणुका को मारने के लिए तूने गुंडा क्यों भेजे? डैड प्लीज मेरी बात सुनिए। जब उसने शादी से इनकार कर दिया तो और क्या करता मैं? उसके लिए जाकर लड़का ढूंढता। माफ, मैं गलत नहीं हूँ। चुप चुप रह तू। मेरी बात सुन। अगर गुंडे भेज के उसे मरवा दिया तो समझो खेल खत्म। उसकी सारी प्रॉपर्टी सीधे ट्रस्ट में चली जाएगी। फोने का अंडा देने वाली मुर्गी को काटा नहीं करते। अगर किसी तरह तू उसे शादी कर ले तो अकेला करोड़ों की जायदाद का मालिक बन जाएगा। और अगर वो राजी नहीं हुई? रेणुका अनाथ है, उसका बुढ़े के अलावा कोई नहीं। तू अपने बाप को अच्छी तरह जानता है बेटा, बस थोड़ा सब्र कर। वही वक्त आने दे बेटा। रेणुका को मैं तेरी दुल्हन बना के रहूंगा, देखता जा। आजा बेटी, आज तेरा बर्थडे है ना, पहले दादाजी को चॉकलेट खिला। हाँ, हैप्पी बर्थडे बेटा। अरे पंडित जी, यजमान, आज मेरी नातिन का बर्थडे है, इसे आशीर्वाद दो। अरे केदारी, उसे आशीर्वाद दो। जो आ गया गुरुदेव। बेटा, तुम्हारे जीवन में सब कुछ मंगलमय। गाय ने लात मारी क्या? मंगलमय हो बोल। तुम्हारे जीवन में सब कुछ मंगलमय हो। तुम 100 साल जियो, मैं तो मर गया। जियो, पैर में कांटा चुभ गया क्या? मैं कह रहा था तुम जीवन में प्रगति करो, तुम्हारा सब अच्छा और भला हो। क्या हो? फिर से वही। मैं तो मर गया गुरुदेव। मर गया, जन्मदिन के मौके पर मरने की बात? वो भी बच्ची के सामने अकल नहीं है? तुम रहने दो, मैं ही देता हूँ। दूध होना है पूतो भलो, खूब पढ़ो आगे बढ़ो, आरोग्यमान भव, आयुष्यमान भव, शुभम भव। पूजा हो रही है, मेरे लिए भी वैसी करवाओ ना माँ। नहीं बेटा, हम नहीं करा सकते, वो तो पैसे वाले लोग हैं। तुम जाकर चॉकलेट ले आओ। हाँ, तुम्हारा जीवन हमेशा संतोषमय हो। आज मेरा भी बर्थडे है, इसके जैसा मुझे भी आशीर्वाद दे दो। वो यहाँ क्या कर रही है? चल भाग यहाँ से, जा। अरे ऐसा क्यों किया तुमने? आप बीच में मत बोलिए, नौकरानी की बेटी मेरी बेटी से बराबरी करेगी। मैंने मना किया था ना, फिर क्यों गई?
अरे बहन जी रुकिए रुकिए, बहन जी क्या कर रही हैं, इतनी प्यारी बच्ची को मार रही हैं आप। जन्मदिन के दिन आशीर्वाद मांगकर कौन सी गलती कर दी है इसने। आओ बेटा तुम्हें आशीर्वाद चाहिए ना, मैं दूंगा, आ जाओ यहाँ बैठो और मेरी तरफ देखो। तुम्हारे जीवन में सब कुछ मंगलमय हो, तुम्हें हमारी उम्र लग जाए और तुम 100 साल जियो, तुम्हें धन बुद्धि और समृद्धि सब कुछ प्राप्त हो। तुम्हारे आशीर्वाद देने से इसे धन की प्राप्ति हो जाएगी। पैसों से सारी खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, मन की खुशी भी जरूरी होती है। यजमान, आज इस शुभ अवसर पर इस घर में भगवान श्रीनिवास का विवाह संपन्न हो चुका है। जल्दी ही आपकी लाडली पोती को भी भगवान जैसे ही गुण वाला सुशील सुंदर वर मिलेगा। सबका कल्याण हो। आह प्रभु आ गए। फिर से संकेत दिया। काम पे भी ध्यान दीजिए ना। सबके लिए उत्तम भोजन का प्रबंध हो गया है। पूजा का धंधा तो ठीक चल रहा है ना? आपकी कृपा है। सुना है आप पूजा कराते हो तो भगवान से डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है। गुरुदेव, इस गरीब के घर पे पूजा कराओगे तो खुशी होगी। आपसे ज्यादा खुशी मुझे होगी, ये तो मेरा सौभाग्य है। आपने खाना दो बार खा लिया। अभी आपने भी देखा ना, उसने मुझे आंख मारी। तो इसका क्या अर्थ है? इसका एक ही अर्थ है, वो मुझसे प्रेम करने लगी है। यानी तुम्हारा प्रेम प्रकरण चालू है? अरे 2 टके के पंडित, कृष्ण लीला की कथा पढ़ के तूने मन ही मन में खुद की रास लीला रचा ली है। ये कृष्ण कोई नहीं, गोपियों को भी आंख मारती है, और मुझे इसलिए पता है क्योंकि ये मेरी पत्नी है। 4 फेरे लिए और रजिस्ट्रेशन भी किया। पत्नी? हाँ, हमारी बकुड़ी। कुंवारे का दिल तोड़ा, एक दिन नरक जाएगी। तेरे ढीले शटर ने पुजारी का धर्म भ्रष्ट कर दिया। पंडित जी, क्या आप मुझे ढूंढते हुए यहाँ आए? मैं प्रसाद देने आया था। क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? पर डर की वजह से आपकी हिम्मत नहीं हो रही, या वो बात मेरे मुंह से सुनने के लिए बेचैन हो रहे हैं? मैंने सही कहा ना? कल शाम को 4:32 पे पूजा खत्म होने के बाद रोहिणी नक्षत्र के शुभ मुहूर्त में मैं इस प्रख्यात पंडित से कोई खास वार्तालाप करना चाहती हूँ। स्वाहा हो गया। दूसरे दिन पूजा के बाद मैं घर में हर तरफ उसे ढूंढता फिर रहा था, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं दिखे, और दादाजी की मृत्यु भी उसी दिन हुई। मुझे पता चला कि रेणुका उसी रात अमेरिका चली गई थी, और उसी को ढूंढने के लिए मैं यहाँ चला आया। यानी तू उन गुंडों से डर के अमेरिका नहीं आया, डॉगी की तरह उसे सूंघते हुए यहाँ आया। तो वो तालपत्र का झोल भी तू नहीं किया? दोनों पानियों का संगम, मेरा संगम। वो भविष्यवाणी नकली थी। तू अपने प्रेम के लिए मेरी समाधि बनवाएगा? बाहर में जा। गुरुजी, मुझे जानना है कि दादाजी की मृत्यु कैसे हुई। सुनिए तो। आईडी मत बन, दोबारा उस घर में गया तो बकरे की तरह हलाल हो जाएगा। गुरुजी, साल भर आपको कमा कर देते हैं ना, छोटी सी गलती है, माफ कर दो। हाँ माफ कर दीजिए प्लीज गुरुदेव। अरे यार कहाँ फंस गया, ये बचे हुए भी उखड़वा देगा। अपनी चटनी बनवाने के लिए कूटनी में सर डाल दिया है। चलो आप बात कर रहे हो? नमस्कार यजमान। नमस्कार। कन्या की तबीयत ठीक तो है ना? पंडित जी, वो डाइटिंग पे थी इसलिए शायद चक्कर आ गए होंगे, अब एकदम भली चंगी है। दूल्हे राजा, आपके पिताजी कहाँ है, एक बार मिलवा दो। जिंदा है ना?
स्वर्गवासी हो जाएंगे। अबे पंडित, माफ कीजिए, आपके पिता कहीं दिखाई नहीं दिए तो हमारे गुरु के मन में जो शंका आई वो उन्होंने बोल दी। गुरुजी को 10 साल आगे का दिखता है। मेरे डैड इंडिया में हैं, उन पंडितों का सर काट के सीधे अमेरिका की फ्लाइट में बैठ जाएंगे। पंडित का सर काटने से पाप लगेगा, बाल काट के काम नहीं चलेगा। अपना मुंह बंद रखो, वो उनका सर काटे या उनके मूछे काटे, उनके पर्सनल मैटर में हमें नहीं पड़ना चाहिए। गुरुदेव ऊपर चल के मुहूर्त निकालते हैं। ऊपर भेज रहे हो? हाँ, क्योंकि यहाँ सबसे एक्सपीरियंस्ड आप ही हैं। जाना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल, अकेला जाऊँ? हाँ चलिए। आइए सर, मैं अपनी मृत्यु का मुहूर्त निकाल रहा हूँ। मुझे रेणुका तक पहुँचना ही होगा। उससे पहले तो तू स्वर्ग पहुँच जाएगा। कुछ भी हो जाए उससे बात करके रहूंगा। श्रीमान जी, दोनों की लग्न पत्री पढ़ना शुरू करो। हाँ चालू करो। हाय डैड। हाय विकी, कैफे हो तुम? अमेरिका कैफे है। अमेरिका इज ग्रेट डैड। वो पंडित मिले क्या? नहीं, अब तो उसे मार के ही अमेरिका आऊंगा। उसकी कटी मुंडी को व्हाट्सएप डीपी लगाना। फिर मुंडी नहीं, फारे अंक काट डालूंगा। डैड ये हुई ना बात। अच्छा मेरे लाल, मुझे बफ ये बताओ, फादी की तैयारी कैफी चल रही है? बस डैड, मुहूर्त निकलने जा रहा है, पंडित यहीं बैठे हैं। वेरी गुड, उसे फोन दो जरा, कुछ बात करनी है। ठीक है, चालू रखिए। मेरे डैड बात करना चाहते हैं आपसे। ये मरवाएगा, ऐसी बातें फोन पे नहीं, सामने बैठकर फेस टू फेस होती हैं। डैड वीडियो कॉल पर ही हैं। वीडियो पे बात करना मेरी आदत नहीं। ए विकी, पंडित से बात करा। पंडित जी लीजिए, बात कीजिए ना। यजमान नमस्कारम। hey! सर, हम पहली बार बात कर रहे हैं। इंडिया में सब कुशल मंगल है ना? वहाँ का मौसम कैसा? hey! सर, मुझे देख के खुश हो रहे हैं। hey! यजमान, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, गुस्सा भगाओ हवन क्यों नहीं करवाते? आपकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। तेरी अर्थी पे कोयला मैं जलाऊंगा। तुम्हारे क्रियाकर्म का कार्यक्रम ये बद्रीनाथ पंडित करेगा। केदारनाथ किधर है? केदारनाथ तो केदारनाथ में ही होंगे। मेरे साथ मजाक कर रहा है? मेरा चेला यहाँ है, मिलवाता हूँ। केदारी यमराज। केदारी तू गया? तेरे को मैं यहाँ ढूंढ ढूंढ के थक गया और तू वहाँ ट्रंप के पास बैठा है। जी, आपके बेटे की शादी का मुहूर्त निकालने आए हैं। जल्दी निकाल ले, क्योंकि अब तेरी मौत का मुहूर्त निकलेगा। फवेरे की फ्लाइट पे आ रहा हूँ, अमेरिका पहुँच के तुम सबको काट डालूंगा। हम गाजर मूली है जो ऐसे ही काट देगा? धमकी देना आसान है, हिम्मत है तो सामने आ जा। आ रहा हूँ बे। आ तो सही, तेरा अंतिम संस्कार कर दूंगा। तू खत्म। पहली फ्लाइट पकड़ के आप उड़ाओ। तुझसे भीख ना मंगवाई तो मेरा नाम भी केदारी नहीं। अमेरिका से भागना मत। तो हो जाए, हम दोनों में से किसी एक का मरना तय हो चुका है। आ, आ, आ जा। अरे यमराज है, कबूतर है क्या? आ करके बुला रहा है, फोन से बाहर आ जाएगा। सर, बच्चे की बात का बुरा मत मानिए, आप आराम से आइए। तुम लोगों को ऐसी मौत मारूंगा, यमराज भी काम जाएगा। उसे आने दीजिए गुरुजी, उसका श्राद्ध मैं करूंगा। आ जा। ए पंडित, फोन मेरे बेटे को दे, जल्दी फोन दे उसे। पंडित जी बात हो गई? केदारी अब क्या करें, बात करते करते खुल जाएगी, फोन तो फट जाएगा ढोल। आप कहाँ हैं पंडित जी? गुरुजी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप इससे बात करने की एक्टिंग करते रहिए और उसे फोन देते वक्त नीचे गिरा दीजिए। चले जाइए, टेंशन मत लीजिए। जल्दी फोन दो। देता हूँ, देता हूँ। विकी, अबे चुप है, कितना भौंकेगा? अगर विकी को इसकी भनक मिल गई ना तो तुम सबकी लाफे लाफे बिछा देगा। याद रख फुला। ए पंडित, विकी को फोन दे। बेटा तुम्हारे डैडी कितने मीठे बोल बोलते हैं। तू तो गया पंडित। विकी, विकी। फिसल गया, हाथ में तेल लगा था। कोई बात नहीं पंडित जी, आइए आइए, शादी की बात करते हैं। हाँ। सुनो, तुम्हें जल्दी से एक काम करना होगा। कौन सा काम? इंडिया से कोई भी कॉल यहाँ किसी के भी फोन पे नहीं आना चाहिए। तुम दोनों सबके फोन्स ले लो और इंडिया के जितने भी नंबर है ब्लॉक कर दो। चलिए। विकी, विकी, तू तो गया पंडित। लोग हाई स्ट्रीट से जाएंगे तो मैडम जरा आपका फोन देंगी? मेरे फोन पे नेटवर्क नहीं आ रहा है। हाँ, जरूर लीजिए। मैडम मेरे फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है, एक फोन कर लूँ प्लीज? थैंक यू। सर फोन देंगे क्या? क्यों? मेरे फोन में डेटा नहीं है, गोल्डमाइन की पिक्चर देख के देता हूँ। अरे हुआ क्या भाई? वो चारों पंडित अमेरिका में है, विकी का फोन स्विच ऑफ है। वीरू को फोन लगाओ जल्दी। फोन लग नहीं रहा है। क्या ये चल क्या रहा है? मीरा को फोन लगा, चल 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 जल्दी लगा। लगा रहा हूं।
मीरा का फोन भी बंद आ रहा है। ये कैफे हो सकता है? The number you have dialed Something is wrong. अभी के अभी अमेरिका की टिकट बुक करवाओ। इस मार्च की 31 तारीख को वैशाख मास की द्वितीय तिथि को जब चंद्र पुष्य नक्षत्र में और गुरु वृषभ राशि में गोचर करेंगे श्री सुब्रमण्यम जी के सुपुत्र चिरंजीव विक्रम उर्फ विकी का श्री देव कुमार आदित्य राव और श्रीमती विजया लक्ष्मी देवी की सुपुत्री चिरंजीव सौभाग्य कांक्षिणी रेणुका देवी के साथ विवाह तय किया जाता है। शुभम भवतु। सबसे शुभ मुहूर्त है ये इस साल का। देखिए मेरा मुहूर्त निकला जा रहा है, अगर आ गया हो तो मैं भोजन कर लूं। ठीक है पंडित जी। आओ सब। केदारी तुम पागल हो गए हो क्या? यहाँ अमेरिका क्यों आ गए? तुम उस दिन मुझसे कुछ कहने वाली थी ना, वही सुनने के लिए अमेरिका आया हूँ। तुमने बहुत अच्छे से पूजा करवाई थी, बस उसके लिए थैंक्स बोलना था। नहीं बात कुछ और ही है। नहीं मैं सच बोल रही हूँ। तुम झूठ बोल रही हो। तो फिर सच क्या है? कि तुम मुझसे प्यार करती हो। क्या प्यार? और तुमसे? इंडिया में मेरी मुलाकात तुमसे सिर्फ 7 दिनों के लिए हुई थी और तुम्हें लगने लगा कि मुझे तुमसे 7 जन्मों का प्यार हो गया। मैं जानती हूँ कि दादाजी तुम्हें पसंद करते थे, पर ये मतलब नहीं कि मुझे प्यार हो गया। मेरे हंसी मजाक को तुमने प्यार समझ लिया? यकीन नहीं होता। तुम्हें यकीन होना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही मैं तुम्हें यकीन दिलाना चाहती हूँ। प्लीज यहाँ से चले जाओ। आप जानते हैं मैं पीता नहीं हूँ गुरुजी। अब ये सोमरस नहीं है, ब्लैक कॉफी है। पता है हमारे जमाने में लोग देवदास बनते थे, आज की जनरेशन को मल्टीसिम चाहिए, एक एक्सपायर्ड तो दूसरा एक्टिव। करीना नहीं तो करिश्मा, करिश्मा नहीं तो रवीना, रवीना नहीं तो जरीना, उसमें क्या है बेटा? कन्याएं छल हैं। दुख इस बात का नहीं है कि रेणुका को मुझसे प्यार नहीं है, लेकिन वो इस वक्त खतरे में है। उसकी मर्जी के खिलाफ उसे शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो बिल्कुल सही कह रहे हो, रेणुका कृष्णा को बहुत प्यार करती है। तू चुप कर। चलती ट्रेन में चढ़ना तो ठीक है, तू तो उड़ते प्लेन में चढ़ रही है। मैं झूठ नहीं बोल रही, सब सच है। मैं इनके सर की कसम खाती हूँ। भरी जवानी में मारना चाहती है मुझे, वैसे ही इस चांद को ग्रहण लगा हुआ है। कृष्णा लिसन, मैं सब सच कह रही हूँ। लास्ट पूजा के एक दिन पहले रेणुका दादाजी से मिलने गई थी। दादाजी। क्या बात है बेटा? क्या आप मेरी एक बात मानेंगे दादाजी? बेटा तुम्हारी कोई बात मैंने कभी टाली है भला? बोलो क्या बात है? असल में मुझे किसी से प्यार हो गया है दादाजी। अरे वाह, कौन है वो लकी? उसका नाम केदारनाथ है। केदारी, वो पंडित? हाँ। अरे तो फिर लकी वो कहाँ हुआ? लकी तो तुम हो। अगर फादी ही करनी है तो मेरा बेटा है ना, काटो लगे उसमें। करोड़ों की प्रॉपर्टी हवन करने वाले पंडित के हवाले करोगे और हम लोग मंजीरे बजाएंगे? खाल खींच लूंगा तेरी। इसकी फादी मेरे बेटे से ही होगी। मैं पहले भी ये बात कह चुकी हूँ, मैं उससे शादी नहीं करूँगी। तुम लोगों पर हमला करवाने वाला मेरा बेटा है। क्या कहा? दौलत के लिए तुम लोग मेरी पोती को जान से मारना चाहते हो? छी। गुरुजी, गुरुजी, आपको मफत में एक सलाह देता हूँ, करोड़ों की प्रॉपर्टी को दान पेटी में नहीं डालते। वो कहावत सुनिए ना, कुत्तों को घी हजम नहीं होता, घी को खिचड़ी में ही रखो। रेणुका की शादी इनके बेटे विक्की से करा दो। आप गुरुजी हो, मेरे गुरुजी, और आपकी बेटी मेरी क्लाइंट हुई कि नहीं? पर इसकी फीस नहीं लूंगा, एग्रीमेंट साइन कर दो। चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, अपनी पोती की शादी विक्रम से हरगिज नहीं करूंगा। पिताजी, तू भी चुप। आपको शर्म नहीं आती दादाजी पे हाथ उठाया? तू भी ले। सबके सामने चुप रहता हूँ तो मुझे राम समझ लिया? रावण हूँ मैं, मार डालूंगा सबको। दादाजी,
आज के बाद इस घर में सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा। उस पंडित का फर काट डालूंगा मैं। कुटी रहने दो, बहुत खर्चा हो जाता है। अगर उस पंडित को जरा भी नुकसान पहुंचाया तो कोर्ट में जज साहब केस की तारीख पे तारीख पे तारीख निकालेंगे, और अगर चालू पूजा को बीच में रोक दिया तो मीडिया वाले इसे उछालकर एक से दूसरे की तीसरी स्टोरी बना देंगे, और उसके बाद मैं कोट पहनकर कोर्ट के चक्कर लगाते 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 थक जाऊंगा। इसलिए होम हवन हो जाने दीजिए, फिर उस पंडित के प्रेम ग्रंथ के पन्नों को ये वकील चने वाले को बेचेगा। आया समझ में? दादाजी उस इंसल्ट को याद करके रोते रहे, और उसी दुख में हवन के समय उनको हार्ट अटैक आ गया, और उस दिन के बाद मुझे और रेणुका को एक कमरे के अंदर कैद रखा गया। यानी कि उस दिन दादाजी हवन के धुएं के कारण नहीं मरे, अपने दामाद के दिए हुए दुख से मरे। अरे वजह कुछ भी हो, हमको क्या करना है? चुप रहे। इतना सब होने के बाद भी रेणुका विकी से शादी क्यों कर रही है? दादाजी की अस्थियों के लिए। आरआईपी, रिप, एटले के रेस्ट इन पीस। गुरुजी बहुत अच्छे थे, मैं उन्हें सच्चे मन से श्रद्धांजलि देता हूँ। दादाजी चाहते थे कि उनकी अस्थियाँ काशी में विसर्जित हों, यह उनकी अंतिम इच्छा थी, तभी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। बकुड़ा, परी की जान तोते में कैद वाली कहानी सुनी है? वैसे ही इस परी की जान इसमें कैद है। राजा कैच। राजा, ये अस्थि फौरन विकी के पास अमेरिका भेजो, कार्गो से भेजो। ठीक है। ये सब क्या है, ये गलत है। आवाज नीचे। अगर अपने दादा की आत्मा को मुक्ति दिलाना चाहती हो तो पहले मेरी एक बात माननी होगी। ये क्या? रेणुका, हिसाब एकदम चोखा है, एक हाथ दो एक हाथ लो, कान खोल कर सुन लो, साफ साफ कहता हूँ, समझ में आए इसके लिए गुजराती में, विकी साथे लगन कर अस्थि नी लोटी तारी, वहाँ जैसे ही फेरे होंगे यहाँ अस्थि दे देंगे, फिर सीधा काशी। मैं ये शादी नहीं करूँगी। तो ठीक है, इन अस्थियों को काशी में नहीं गटर में विसर्जित करेंगे। ये जबरदस्ती है। वादी तो अब होके रहेगी। सिर्फ और सिर्फ दादाजी की अस्थियों के लिए रेणुका बेके से शादी के लिए रेडी हुई है। अरे ये कैसी फिर होती है, अस्थि के लिए किसी की भी बस्ती बसा देगी, अस्थि को बहाने से मतलब है ना? अस्थियों को किधर भी बांध दे, क्या फर्क पड़ता है? ए, चुप रहो तुम दोनों। हमारे लिए वो सिर्फ अस्थियाँ हो सकती है, पर रेणुका के लिए वो दादाजी की आखिरी ख्वाहिश है, और उस ख्वाहिश के लिए वो अपनी इच्छाओं का गला घोटने के लिए भी तैयार है। ये बात रेणुका की अच्छाई दिखाती है। पर ये विकी अच्छा आदमी नहीं है, मुझे इस बात का डर है कि शादी होने के बाद वो रेणुका को मार देगा। मेरे जिंदा रहते ऐसा कभी नहीं होगा। आज से रेणुका की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी। सुरक्षा की बात ऐसे कर रहा है जैसे LIC एजेंट है। वहाँ हमारी मौत इंडिया से अमेरिका के लिए उड़ान भर चुकी है। हेलो, कौन? एरोस्टेस के सामने धक्का मार रहा है, सॉरी तो बोल के जाना। ए, इंडिया में तुम लोग पंडित का काम करते हो ना? नहीं सर, नाई का काम करते हैं। व्हाट? आपके बाल काट दूं क्या? ए, सर सर सर, आपका सामान जा रहा है। ए, मेरा फुटकेस। ए, मेरा पासपोर्ट। ए, मरने वाले को पासपोर्ट की क्या जरूरत है, ऊपर एंट्री फ्री है। ए, इंडिया से तुम्हें मारने का मुहूर्त निकलवा के आया हूँ। पहले अपनी भाषा साफ कर, कोई सा को फा बोलता है क्या? फुदर जा फुदर जा, चल उधर जा। ए केदारनाथ, आई विल किल यू। लीव मी। जान ले लूंगा तेरी, छोड़ूंगा नहीं तुझे। देख लेंगे। छोड़ो मुझे। थैंक यू, मेरी शादी में तुम्हें जरूर आना है। ओके। यप। हाँ। एक एक करके आपकी शादी की सारी तैयारियां कर ली। गुड। देखिए, अपने इस चेले की एक खास खूबी बतानी थी। मुझे लज्जा आ रही है। मुझे नहीं आ रही है, मुझे बोलने दे। दूल्हे राजा, इसने जिस किसी जोड़े के कपड़े अपने हाथों से सिले हैं,
उनकी शादीशुदा जिंदगी में झगड़े लफड़े कभी नहीं हुए हैं। okay. इसमें मेरा कमीशन नहीं है, लेकिन आप अपनी शादी का जोड़ा इसी से सिलवाएं। ओके। विद्या। कौन बुलाया मुझे? दुल्हन के सारे जोड़े केदारनाथ ही तैयार करेगा, और वो बॉडी का नाप भी लेगा। हाँ, मेरी बॉडी का नाप? अरे तेरा नहीं रे मोटी, मैं रेणुका की बात कर रहा हूँ। ओह, हे पांडे जी, आइए मेरे पीछे पीछे आइए। मेरे बेडरूम में क्यों आ गए? विक्की ने देखा तो मार देगा। उस विक्की ने भेजा है तुम्हारे पास इस पंडित? क्या? उसने कहा इस पंडित का हाथ बहुत लकी है, इसलिए यही तुम्हारा मेजरमेंट लेगा, और तो और तुम्हारी शादी की ड्रेस भी यही बनाएगा। पंडित जी, मैं बस टर्न हो जाती हूँ, तुम अपना काम कर लो। मेजरमेंट लेना रेणुका, समझा करो। तुमसे दूर जाने को कहा और तुम हो कि मेरे करीब आते जा रहे हो। सॉरी रेणुका, तुम्हें परेशान करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं जानता हूं ये शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो रही है। दादाजी की अस्थियों के बदले उन लोगों ने तुम पे शादी के लिए दबाव डाला है, ये भी मैं जानता हूं। चाहे तुम मुझसे प्यार करो या ना करो, तुम यहां खतरे में हो, और मैं चला जाऊं ऐसा नहीं हो सकता। चाहे जो हो जाए, मैं दादाजी की अस्थियां तुम तक पहुंचा कर ही रहूंगा। फिर वो अस्थियां काशी में विसर्जित करके मैं चला जाऊंगा, तुम्हें कभी नहीं मिलूंगा। I love you. मैं बाहर वेट कर रही हूं। हम विक्की के घर जाकर उसे पट्टी पढ़ाएंगे कि घर में अस्थियां रखना शादी के लिए अशुभ हो सकता है। यह सुनकर वो टेंशन में आ जाएगा और हमसे उपाय पूछेगा। अस्थियों के शुद्धिकरण के लिए पूजा करने की बात करेगा। वो अस्थियां हमें देने पर मजबूर हो जाएगा। हम अस्थियों को घर के बाहर सूर्य देव के सामने लाने का नाटक करेंगे और वहीं अपनी चाल चलेंगे। फिरंगियों के रंग ढंग में रंगा हुआ है तो क्या वो भारतीय अंधविश्वास पे विश्वास करेगा? उसे विश्वास दिलाना हमारा काम है। चलो काम पे लगते हैं। दूल्हे राजा, आपकी शादी में कोई विघ्न ना आए इसलिए माइनर पूजा रखी थी, आरती लीजिए। अबे ओ पंडित, ओहो, अनर्थ हो गया, मंगल सूत्र पहनाने वाला हाथ तो जल गया, यानी इस घर में कुछ तो अशुभ है। वैसे तो यहाँ रहने वाले सारे लोग मनहूस हैं, लेकिन ये उनसे भी बड़ी पनौती है। उस दिन सगाई के वक्त लड़की बेहोश हो गई थी, आज लड़के का हाथ जल गया। हा? इसके पीछे कोई राज है, आप ही हल बताइए गुरु जी। इसे पकड़ो, गिराना मत वरना भाग के जल जाएगा। अशुभाय नमः, ब्लैक मैजिकाय नमः, नमः नमः देशी टोटकाय नमः। ब्लैक मैजिक, इस घर में कोई पापी शक्ति है क्या? घर में कोई बहुत बड़ा झोल है, आई मीन दोष है। दोष है? क्या मतलब? यूं तो पूरी दुनिया ही झोल है, पर आपके घर में सुपर डुपर झोल वाला दोष है। कैसा दोष बताइए ना। दोष यानी इंग्लिश में उसे बैड लक कहते हैं, कोई ऐसी चीज जो अपवित्र है, घर में नहीं रखनी चाहिए, फिर भी रखी हुई है। बुड्ढे की अस्थियां यही हैं। पंडित जी, रेणुका के दादा की अस्थियां यही रखी है तिजोरी के अंदर, उससे प्रॉब्लम है क्या? अस्थियां? केदारी जरा पकड़ी से। अरे वो क्या चूरन का डब्बा है जो घर में रखा हुआ है? पेट में गुड़गुड़ हुई, दो चुटकी खा लिया, अकल बेच के आए हो क्या? अस्थियां तो हैं, अनलकी कैसे हो सकती है? वो कोई चाट मसाला नहीं है, अस्थियां हैं। खाने पर नमक की तरह छिड़क कर खाएगा क्या? शादी भूल जा, ये शादी अब मेरा बाप भी नहीं करा सकता। हित की है। अगर अस्थियां निकाल दे तो सब ठीक हो जाएगा? एक लपड़ मारो क्या खींच के? अगर अस्थियों को पड़ोसी के पास रख दो तो? पड़ोसी के बाप की अस्थियां हैं? ना घर में रख सकते हैं ना बाहर, तो फिर कहाँ रखेंगे? तुम दोनों ही दिमाग से पैदल, खट्टू निखट्टू टट्टू हो, तुम्हारा बेड़ा गर्क निश्चित है। जब बेड़ा गर्क हो रहा है तो घर में रहने दो। फिर से मूर्खता, तेरा सर्वनाश होगा। 70 साल के बूढ़े की अस्थियां है, वो सो गया तेरा नसीब। 70 साल लगेंगे दोष जाने को, फिर कर लेना 70 साल बाद शादी। जाओ उन्हें शमशान में रख के आओ। जो हमारे लिए कोहिनूर के हीरे जैसी कीमती है, डोली की जगह अर्थी उठानी है, शुद्धिकरण करना होगा, दक्षिणा डबल वरना भाड़ में जाओ। पैसे की परवाह नहीं है, आप हल बताइए। पहले अस्थियां घर के बाहर निकालो, फिर बताऊंगा।
चल केदारी। जी गुरुदेव। कलश को सूर्य की तरफ करो। ये लीजिए। औकात पे आ जाता हूँ। अरे ये क्या हो गया, लेकर भाग रहा है। पकड़ो उसे। सिक्योरिटी, गेट हिम। बॉयज कैच हिम। यस मैम। सुंदरी उसे छोड़ दे, मुझे उठा ले। हे, रुक जाओ। नहीं रुकूंगा। स्टॉप। नहीं होता, क्या करेगी? रुक जाओ। अरे गोली मारने की जल्दी। होली की बिचारी हो। अरे जल्दी जल्दी। और इसके आसन को ग्रहण लग गया। अरे रे, और एक छेद कर दिया। चल जल्दी चल। इडियट्स। शा, पंडित को कलश देकर बहुत बड़ी गलती की। क्षमा कीजिए, हमारी वजह से आपको बड़ा कष्ट हुआ। वैसे चोर को कलश चुरा के क्या मिलेगा? उसे लगा होगा कि सोने का कलश है, इसलिए उठा लिया। बस ये रही अस्थियां। पर वो लोग भाग गए बॉस। सुन ले पंडित, अस्थियों की वजह से भले ही मेरा बैड लक आए, लेकिन अस्थियां घर में ही रहेंगी। दोबारा इसे बाहर निकालने के लिए मत बोलना। अगर घर से अस्थियां निकालने की बात की तो तेरी आत्मा शरीर से निकाल दूंगा। अब जा, चल निकल। तुझ पे तरस आ रहा है, कल सुबह क्या करेगा? घाव पे मत मारो। मैं मार नहीं रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। दिख नहीं रहा है? ये पेन की वजह से कमर में नहीं बैठ पाएगा। दिख रहा है। अबे दिख रहा है तो मार क्यों रहा है? अरे मैंने इसे नहीं मारा डॉक्टर, और मैं गोली वोली नहीं मारता, मैं पूजा पाठ से मारता हूँ, या फिर ऐसे मारता हूँ। डॉक्टर कुछ करना यार। आई एम थिंकिंग। व्हाट थिंकिंग? डू समथिंग। इनका बाउट टिश्यू गया। मतलब टिश्यू पेपर? नहीं नहीं नहीं, टिश्यू पेपर नहीं, मतलब मसल डैमेज। मसल की गोली निकाले हो? आई मीन तंदूरी गोश्त। तंदूरी गोश्त? नो मांसाहार, हम लोग घास फूस खाते हैं और कुछ नहीं, शुद्ध देसी, नो कुकड़ू को मैं। ओ माय गॉड, तुम लोग चिकन तो नहीं खाते हैं, पर मेरा भेजा खा रहा है। क्या चोपो चोपो कर रहा है गुरुजी? इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। बैठने के आसन का नो ऑपरेशन। हम पंडित लोग हैं, हमारे लिए आसन ही सब कुछ है, और इतना खर्चा नहीं पड़ेगा। मैं समझ गया, तुम लोग फोकट में खाने वाला लोग है, प्लीज टेक देम आउटसाइड। गुरुजी जल्दी से कोई हवन करो। सिलाई करनी है, आप बाहर जाइए। हिलना मत, टाका कहीं और लग जाएगा। गुरुदेव अब कैसा है वो? डॉक्टर ने कहा है कि स्टेनलेस स्टील की प्लेट लगाकर ठीक कर देगा। उसको प्लेट लग गई, कहीं हम लोगों को कढ़ाई ना लग जाए। हम पंडित आखिर क्या करेंगे? पंडित से अच्छा बाबा बंगाली बन जाते तो काला जादू करके सब ठीक कर देते। फिर से चुराने जाएं? नहीं गुरुजी, दोबारा कलश चुराएंगे तो उन्हें जरूर हम पर शक हो जाएगा। असली कलश के बजाय डुप्लीकेट कलश रखना, यही होगी हमारी अगली चाल। डुप्लीकेट अस्थियां? अस्थियों का डबल रोल? गुरुजी ये डुप्लीकेट कलश है, हम इसे उनके घर में रखकर ओरिजिनल लेकर आ जाएंगे। तुझे पता है ना, डॉक्टर ने स्टील की ब्लेड डाली अंदर, तेरी फौलादी हो गई, हम सबके नहीं, फंसा मत देना। तो 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 भी लगनी चाहिए थी। क्या रे, ये कलश तो डिट्टो डुप्लीकेट है, क्या अंदर की अस्थियां भी सेम टू सेम है? कांदा पोहा। कांदा पोहा स्पाइसी है। हाँ, अब जल्दी चलिए, निकल पड़ी। इतनी सिक्योरिटी के बाद वो अंदर कैसे आ गया? यही बात तो हम भी नहीं समझ पा रहे हैं। नमस्कार जी, हरियाली में तोता ढूंढ रहे हो? उस चोर की मैं शक्ल याद कर रहा हूँ, उसका स्केच बनवा के उसे पाताल से ढूंढकर एक गोली और मारूंगा। एक नहीं, दो दो मारना। तुम पुलिस को मेल करो, मैं बंदूक खरीदने जा रहा हूँ। अगर इसे शक्ल याद आ गई तो हम लोगों को धोती उठा के कार्गो प्लेन में इंडिया भागना पड़ेगा। कहिए मैडम। आप पूजा के सामान की लिस्ट बता रहे थे, बताइए क्या क्या मंगवाना है। क्या हुआ पंडित जी, बहुत परेशान लग रहे हो। कुछ नहीं विक्रम जी, भले ही शादी अमेरिका में क्यों ना हो, लेकिन भारतीय होने के नाते शादी पारंपरिक ढंग से होनी चाहिए, तभी शादी का आनंद आएगा। कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्या समझे? विकी, क्या तुमसे कुछ बात करनी है, थोड़ी देर के लिए ऊपर आओगे? रुको मैं अभी आया। क्या बात है रेणुका? वो क्या है ना, मुझे एक बार दादाजी की अस्थियां देखनी है। वो भगवान की मूर्ति है क्या जो रोज देखना है? जीजा जी, इसे दादाजी की याद आ रही है, प्लीज एक बार अस्थि देखने दो प्लीज। हाँ,
कोवासाकी? यस मैम। इन्हें शादी की शॉपिंग के लिए जाना है, कैब का इंतजाम कीजिए। इसके अलावा जो मैडम जी ये लिस्ट में देसी घी लिखवाना मैं भूल गया था। हाँ जी, 5 किलो लिखवा। ऐसा फील हुआ कि कुछ गिरा? मुझे ऐसा फील हुआ मैं आपके प्यार में गिरा। गिरने वालों को गिरने का बहाना चाहिए। लिखो। हाँ जी बताइए क्या कह रहे थे। गिरा नहीं, जीरा 2 किलो। आपका नंबर दीजिए, मैं बाद में बताता हूँ व्हाट्सएप करके। ओके। अरे गुरुजी, फेक फेक फेक। चलो 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 कर। हाँ, ओके। चलो 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 आ जाओ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। इसमें से कांदा पोहा की खुशबू आ रही है। कांदा पोहा? आप कहाँ जा रही है मैडम? शादी में। किसकी शादी? मेरी शादी। हम कुछ समझे नहीं। रेणुका! रेनुका नाम की कोई पैसेंजर? नो सर। रेलवे स्टेशन? ये अमेरिका में फ्लाइट्स के टिकट रेलवे स्टेशन पे मिलते हैं। अंकल, उन्होंने फ्लाइट्स के टिकट नहीं लिए। गुरुजी, पहले ट्रेन से लॉस एंजलिस से सैन फ्रांसिस्को जाएंगे। हाँ। वो जरूर ट्रेन से सैन फ्रांसिस्को जाएंगे और देखना वहीं से इंडिया की फ्लाइट बुक करेंगे। वहीं से हम इंडिया की फ्लाइट बुक करेंगे। कहीं भी किस वर्ग का टिकट ना कटवा दे। लेकिन उससे पहले रास्ते में ही हम उस पंडित के टुकड़े कर देंगे। वो अपने आदमियों को लेकर हमें एयरपोर्ट पर ढूंढने आ जाएगा। हाँ। लेकिन उसे हम वहाँ नहीं मिलेंगे तो वो हमें ढूंढने रेलवे स्टेशन आएगा, लेकिन तब तक हम निकल जाएंगे। हाँ। चलिए चलो चलो, ट्रेन चली जाएगी। मम्मी विंडो सीट पकड़ना। ऊपर वाले, पता नहीं क्यों पर विकी से डर लग रहा है। तुम बिल्कुल मत घबराओ, हम यहाँ से काशी जाएंगे तुम्हारे दादाजी की अस्थियाँ विसर्जित करने। सुन रहे? हाँ गुरुदेव। जब अमेरिका में मन लगने लगा उस गधे विकी ने नाक में दम कर दिया। सुरेखा और मेरी हस्त रेखाओं का संगम हो जाता तो मैं संगम में नहाने। सीट ऑन कॉर्नर सिटिंग सीट, वो बुड्ढे थर की लोगों के लिए। लगेज टेक किया? सबे सबे। डार्लिंग, हिंदी अच्छी बोल लेते हैं। इंडियन है क्या? नहीं, नाइजेरियन है। टाइम पास के लिए बोलिंग इंग्लिश। राशन कार्ड से ग्रीन कार्ड बनाया? ये बचपन से कॉमेडियन है। बताओ वेयर आर यू गोइंग? इंडिया जा रहे हैं। पोस्टल एड्रेस? काशी जाएंगे। सच्चे? जी हाँ, मेरे दादाजी की अस्थियां विसर्जित करने काशी जा रहे हैं। अला, क्या बात कर रहे ले बा, आपन भी अस्थि डुबाने काशी जा रहे ले। हाँ। इनके दादाजी छोटे मोटे आदमी नहीं थे, महान पुरुष थे। ए पप्पा, दादू की कहानी सुनाओ ना। आजादी से 1 आवर 5 मिनट बिफोर मोमबत्ती जल रही थी और अगरबत्ती सुलग रही थी तभी मेरी परदादी की शाउटिंग हुई। वो किस लिए? दादा बॉर्न होने के लिए आजाद होना चाहते थे, इसीलिए दादा का नाम मनोज कुमार भारत इंडियन रखा गया। वो साल में 2 बार बर्थडे मनाते, 1 बार 26 जनवरी को, 1 बार 15 अगस्त को। वो सर पर कफन बांध कर पैदा हुए थे, इनकलाब के नारे लगा रहे थे। पैदा होते ही मेरे दादाजी राष्ट्रीय गान के वक्त सैल्यूट ठोक ठोक कर क्राई करने लगे। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो सभी करते हैं। इनके दादाजी ने ना केजी पढ़ने की उम्र में 10वीं की परीक्षा दे दी थी। डॉक्टर नहीं थे लेकिन क्या चीरा लगाते थे। डॉक्टर नहीं थे, चीरा लगाते थे, फिर क्या मोची की तरह सीते थे। इनके दादू बारिश के दिनों में खुले गार्डन में छतरी लगा के पौधों को पानी देते थे। जब उनसे कोई पूछता था कि छतरी किस लिए, तो कहते थे छतरी नहीं पकड़ूंगा तो मैं भूखा ही जाऊंगा क्या। बहुत अच्छे, दादा चरितमानस का बहुत पठन हो गया है। कोई और बात करते हैं। ये तो बिगनिंग ऑफ द एंड है। मेरे दादाजी कॉलेज की लाइब्रेरी में पत्तों का जमावड़ा लगाते थे, असली चैंपियन थे। दद्दू क्या खेलते थे लेकिन कभी जीत नहीं पाए वो, इसीलिए हम लोग अमेरिका में झोपड़ी में रहते हैं। ए पंडित, पोंगा पंडित, बाहर बारिश हो रही है क्या? हे जोशी, कान में कुछ गया क्या? जब दद्दू 18 प्लस हुए तो फ्लूट मुंह में लेकर बजाते थे, लड़कियों के दिल इनकी फ्लूट की तान पे थिरकते थे। लेकिन उनकी शक्ल देखकर लड़कियों ने संन्यास ले लिया। फिर फेंका। इस बात से सैडनेस होकर मेरे दद्दू पानी कम कुएं में कूद गए।
सेम कुएं में एक लड़की पहले से कूदी ली थी। अंदर इतनी कूदा कूदी हुई कि वो मेरी दादी बन गई। ट्रेन में ब्रेक नहीं है, बैठ जाओ। मरने से पहले पूरी सुन के जाओ। मेरे दादा नमकीन गुलाब जामुन बनाते थे किड्स के लिए, और उनकी मीठी बिरयानी खाकर इसकी माँ पम्पकिन बन गई। उनकी और एक हार्टलेस डिश थी मैसूर पका पक, वो इतना पकाते थे कि पूरी बिल्डिंग वाले पक पक के पक जाते थे। अंडे पनीर का पराठा बनाया, अंदर खोल के देखा तो पोटैटो था। पूछोगे नहीं अंदर पनीर वाई नॉट था? नहीं पूछेंगे फिर भी बताएगा। उस दिन भैंसों का ड्राई डे था, दूध नहीं मिला, फेंक दिया चूरन। पर दादाजी की पड़ोसन के साथ दही की तरह जमती थी। उसने दादा को क्रेडिट पे दूध दिया। दूध को फाड़ने के लिए दादा ने उसमें लेमन डाला, पर दादी ने दूध को सिल दिया। ट्रेन की चेन खींचू। उस दिन से आफ्टर डे यस्टरडे 29 फरवरी को हम लोग पनीर डे मनाते हैं। ओह, ये लोग दादा की बनाई आलू टिक्की भी खा चुके हैं, जिसमें पोटैटो नहीं मिलता था तो वो टोमेटो डालते थे, टोमेटो नहीं होता था तो वो जोमेटो से बन जाते थे। अरे आप लोग पकड़ने का पैसा थोड़ी लगता है। अरे क्या कर रहा है गुरुदेव, सेंसिटिव है। दादू तू इतनी जल्दी ऊपर काहे को चले गए? तुमको वापस आना होगा दादू, इसका शरीर तुम्हारे लिए परफेक्ट है। अबे अंधे दादाजी थोड़ी है। ये अपने दादू को बहुत चाहता था, जिंदगी में देख नहीं पाया, सिर्फ फोटो में देखा। ओए मदर टॉर्चर, जब तक बाप ने बनाओ दादा कैसे बन सकता है? अपने पिल्ले को चुप करा। वो ऐसे साइलेंट नहीं होगा, गाना सुनाओ तो साइलेंट होगा। गाना? फैमिली पैकेज में ट्रैवल कर रहे तो फैमिली सॉन्ग सुनाओ। फैमिली सॉन्ग। दादाजी दादाजी ओ कटप्पा कटप्पा ओ मेरा शरीर क्या ट्रेन है जो तेरा दादा उसमें सफर करेगा? अरे वहाँ आसमान से गिरे यहाँ खजूर में अटके खजूर। अब चुप, करूंगा। गुरुजी गुरुजी आप बैठिए ना, दिमाग शांत रखिए। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, तुम्हारे दादा के बारे में एक शब्द नहीं बोल। दो शब्दों में सुनो ना। कितना बोलता है, थकता नहीं है क्या? नहीं सुननी तेरी बकवास। मेरी वाइफ की दादी की स्टोरी सुनाऊं? फिर से आवाज निकाली तो तेरा भूत वर्तमान भविष्य अंधेरे में डाल दूंगा। बकवास सुन सुन के कान से लावा बहने लगा है। निकम्मे नालायक। शांत गुरु जी, तुम्हारे को पता है क्या, उन्होंने भूत से लड़ाई की थी, उसके बाद वो पागल हो गए थे। कंचना नाम का भूत का हमला करो, जाओ दादा के अस्तित्व के सारे उसकी अस्थियां बहा दो। गाना तो सुन लो। विक्की का फोन आ रहा है, क्या करूं? ए पंडित, पूजा के बहाने चूना लगाया तूने, रेणुका को लेकर भाग गया। उस बुड्ढे के साथ साथ तेरी अस्थियां यहीं गटर में विसर्जित करूंगा। ऑल द बेस्ट। तू गया पंडित। जेम्स, आई टेक दिस। Shut up!
डैड इंडिया से कब आए? What's going on? Sorry, we arrested him by mistake. Now he is free. No problem. We are sorry for that. Thank you. डैड क्या हुआ? इंडिया वाले वो चारों पंडित अमेरिका पहुंच चुके हैं. तुम्हारे घर पर थे. तुम फब के मोबाइल पे मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया था और मुझे पुलिस से अरेस्ट भी करवा दिया था. इतना ही नहीं डैड, वो रेणुका और अस्थियों को भी अपने साथ ले गए. तुम फब फो रहे थे क्या या कांदा पोहा खा रहे थे? आपको कैसे पता? Exactly ऐसा ही हुआ. अस्थियों की जगह कांदा पोहा था और अब वो अमेरिका से भागने वाले हैं डैड. अब मैं उन्हें अपने हाथों पे ही मारूंगा. तुम सीधा वहीं पहुंचो. इस बार वो नहीं बचेंगे. केदार वो लोग गुंडे हैं. मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज चले जाओ. वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे. दादाजी की अस्थियों को काशी तक पहुंचाने का वचन दिया है मैंने और मैं अपना वचन कभी नहीं तोड़ता. अंकल आप ही से समझाइए ना प्लीज. नहीं बेटी, जो लोग मौत के डर से अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लेते हैं उन्हें कायर कहते हैं. चाहे कुछ भी हो जाए, अस्थियों को विसर्जित किए बिना हम नहीं जाएंगे. दद्दू की बात में दम है, लेकिन अस्थियों का स्पीड ब्रेकर कौन है? इस लड़की का मंगेतर दौलत के लिए जबरदस्ती से शादी कर रहा है और वो नहीं चाहता कि दादाजी की अस्थियां काशी में विसर्जित हो. दादा की अस्थियों को विसर्जित होने से कोई नहीं रोक सकता. मेरे दादा आ जाए, उनके दादा आ जाए या परदादा आ जाए तो भी नहीं रोक सकता. ए, इधर पंडित लोग बैठे थे ना, कहां गए? ए लालची मैन, तू अस्थि चोर का बाप है क्या? हाँ तो? तू प्लास्टिक के चावल की बिरयानी खाता है क्या? तुझे अकल नहीं है? अबे तेरी अस्थियों को तू कहाँ फ्लश करने वाला है? कमोड में? अस्थियों को गंगा में नहीं तो क्या स्विमिंग पूल में डुबोएंगे? वैसे भी गंगा नदी में दो तीन जगह ब्लॉकेज हो गया है. यकीन नहीं हो रहा है तो जाके डुबकी लगा के देख ले. अबे मैं उसमें डुबकी क्यों लगाऊं? तेरे सारे पाप वॉश हो जाएंगे. तूने जितने लोगों को टपकाया, गंगा में आंख बंद करके कन्फेस करना, तेरे सारे दाग और धब्बे वाले कलरफुल पाप यहां कोई ड्राई क्लीन वाला भी क्लीन नहीं कर सकता. अरे यार तू कितना बोलता है. मेरे दादू भी गंगा में नहाने गए थे. नहाने के बाद बालों को ड्राई कर रहे थे, तभी याद आया कि कुछ मिसिंग है. आंख बंद करके उन्होंने ध्यान लगाया, तभी याद आया कि उनका रेक्सोना साबुन गंगा में गिर गया. ₹5 की रिकवरी के लिए वो गंगा में कूद गए. तभी बाढ़ आई और वो सर बह गए. उस दिन पूरा बनारस उन्हें ढूंढने निकला. ग्यूमी फोटो, दादाजी का शांत फोटो देखे गुस्सा ठंडा कर ले. ये उनकी वन पीस अस्थियां हैं. मेरे दद्दू की शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस थी. उन्होंने गजनी का रोल किया था क्या? भूल भुलैया की प्रॉब्लम की वजह से उनका डिवोर्स हो गया. राम राम जपना, पड़ोसी का माल अपना. इन शॉर्ट में डिटेल में समझाता हूँ. मेरे दादा अय्याश थे. काम वाली बाई को छेड़ने के चक्कर में मोहल्ले के लोगों ने उनको बहुत पीटा था. पड़ोसन से उस दिन से उनका ब्रेकऑफ हो गया. दादी के टो पे उन्होंने अपना हेड रख दिया. खुश होकर उन्होंने हेड मसाज दिया. दोनों का पैचअप हो गया. आगे बहुत इंटरेस्टिंग है. पूरा खून पिएगा क्या? लिसन, मैं शुरू की बिगनिंग से स्टार्ट करता हूँ. आजादी के एक दिन पहले और बिफोर, मेरी परदादी को पेट में बहुत जोर का पेन हुआ. करके वो चिल्लाई. चिल्लाई क्यों? दादा लात मार रहे थे और पैदा होते ही वो राष्ट्र गान की धुन में क्राई करने लगे. छोटे दादा थोड़े बड़े हो गए थे. जब वो 5 साल के हुए तब उनकी 10वीं सालगिरह मनाई. और जब वो मैरिज एज के हुए तो लड़कियां उनकी फ्लूट की धुन पर लुट गईं. लेकिन जब उन्होंने उनका थोबड़ा देखा तो वो बेवड़ा पीकर छत से गिर गई. आज भी उन लड़कियों की समाधि वहीं पर है. अब ये ट्रेन में देखिए तो पकड़ी. मेरे दादा परिवार से ज्यादा खुद के हेल्थ की केयर करते थे. मोटे ना हो जाए इसलिए कच्चा खाना खाते थे. घास तो बकरे की तरह चबा जाते थे. क्या बता रहा? अरे मेरी सुन, दादाजी सॉल्टी गुलाब जामुन बनाते थे और उनकी मीठी बिरयानी फेमस थी. वही बिरयानी खाकर इनको डिसेंट्री भी हो गई थी. एक डिश और है, मैसूर पका पक. आप अगर खाएंगे तो पकापक बॉयल अंडे की तरह फ्राई हो जाएंगे. बस कर यार, मैं स्टॉप कर दूंगा. बस मेरे साथ जुआ खेलो. ये दोनों मेरे कैशियर हैं. हारूंगा तो इनसे पैसे लेना. अगर तुम हारे ना तो मेरे पास और 4-5 स्टोरीज है, तुम्हें नॉन स्टॉप खड़े खड़े सुननी पड़ेगी. क्या? उसमें मेरे परदादा के दादा की स्टोरीज है. चुप कर, ये क्या है? अस्थि ऑफ दादाजी. मुझे दे. उधार खाते में उसे पकड़ो ना. जल्दी चलाना. हेलो पुजारी साहब, मैं चलती हुई कार से दादाजी का पोता बंटी बोल रहा हूँ. अब क्या बाकी रह गया? उस लड़की के ससुर का नातिया आया था, मेरे दादाजी की अस्थियां ले गया. तुम्हें भी साथ ले जाना चाहिए था. चल बता कहानी जल्दी. उसे भी दादा चरित मानस सुना दिया. दादा जिससे मेरा बीपी लो हो गया था,
तुमने उसे भी वही कहानी सुनाई? बॉल टू बॉल वही सुनाई सर। आजादी से डे वन बिफोर की बात है। मेरी दादी को पेट में पेनिंग हुई, वो दर्द के मारे चीख उठी। वापस सुनाओ। अरे पुजारी साहब, यहाँ मिला ऊपर मत मिलना। पैदा होते उन्होंने राष्ट्रगान गाया, अगर मेरे हाथ लग गया ना तो तेरा बिन पानी का अभिषेक करूंगा। आप अभिषेक करोगे, मैं आपसे हैंडशेक करूंगा। मुझसे क्या चाहता है बोल। मेरे दादाजी जिस पेंसिल से कहानी लिखते थे वो अंग्रेजों ने 5 करोड़ में खरीदी थी। उसी पेंसिल को अपनी नाक में डाल। चल फोन काटना यार। आरी नहीं है, फोन कैसे काटूं? अबे तो आरी से याद आया, मेरे दादाजी को नारी से प्यार हो गया था, लेकिन अब गाड़ी रुका हो यार, मुझे नीचे कूदना है। दादाजी की नाड़ी निकाली और उसका झूला बनाकर झूलने लगी। फोन काट वरना तेरी जीप काट दूंगा। कहानी सुनिए, बहुत मजेदार है। हवन कुंड में डाल अपनी कहानी। कट सर। सर लिसन सुनिए, रो मत, फ्री की राइड का मजा ले, तेज चला। आजा केदारी, उस गाड़ी में विक्की है। ए केदारी। हाँ गुरुजी। मुझे इंडिया की बहुत याद आ रही है। उसे मारने के बाद ही जाएंगे। जब बात बहुत अच्छे। आज तो तू गया पंडित। अरे अरे, गेंडा बड़ी स्पीड से आ रहा है, ये कार पुष्पक विमान न बन जाए। आज मर जाएंगे, और फास्ट चला। अरे चुप रहे, मेरे हाथ पीले होने से पहले ही मेरा श्राद्ध करोगे? ये केदार ही जल्दी कट मार रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं हूं ना, बिल्कुल मत घबरा। गया पंडित। मैं पंडित हूँ तो क्या मुझे कमजोर समझ लिया? दम है तो छू के दिखा लो। तो राक्षसगण के हैं वो, रावण, अहिरावण, महिरावण और तुषरावण, तेरा गमन हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, आज ये मेरे हाथों मरेगा। निश्चित छोड़े मुझे, जा। इसे मार कर लड़की को ले आओ। ऐसा कोई मंत्र है जिससे उसे मार ना पड़े? हमारे लिए है भाग मंत्र। चलो भागो, नहीं घर नहीं इधर। केदारी, सफेद गाड़ी में कोई बचाने आया क्या? धोती उठा के लिफ्ट मांग ले। धोती नहीं, अंगूठा उठा के लिफ्ट मांग ले। लिफ्ट लिफ्ट लिफ्ट। अरे वाह, कुछ और मांगता तो मिल जाता। दद्दू मिल गए, दद्दू। जब सितारे ही बैंड बजाए तो भगवान भी बचा ना पाए। ये कुंभकर्ण है, बातों से मार देगा। विक्की की लाते हैं अच्छी चाल। चलो जल्दी जल्दी भाग, मोटी है तो क्यों खाती है? केदारनाथ, केदारी,
विकी उसे मत मारो। विकी प्लीज उसे छोड़ दो। विकी जिंदा मत छोड़ना उसे। प्लीज उसे छोड़ दो। ए बकुड़ा थोबी जा। अरे आजा लॉयर, आज तक तूने बहुत मर्डर केस लड़े होंगे पर कभी देखा नहीं होगा, आज लाइव मर्डर देख। मोबाइल निकालो, रिकॉर्ड कर, इसका दी एंड। पागल हो गया क्या? फावड़ा फेंक दे, पिस्तौल हटा। चिल्ला मत, ब्राह्मण को मारेगा तो ब्रह्म हत्या होगी। ये पुजारी नारायण का स्वरूप है। चल फावड़ा फेंक, देख लक्ष्मी चली जाएगी, फावड़ा फेंक। ओ फेट जी, लक्ष्मी को नारायण के पास आने दो। चल तू इधर से जा असुर। पुजारी महाराज, इस पे सही करो। बीवी, ये मोटा भाई बहुत ही पावरफुल लगता है, इससे हेल्प मांगते हैं। चल चल चल, मदद मदद मदद। लगता है आपके इलाके में नाई लोगों का सूखा पड़ा है। तुम्हारा नाम? पोपट लड्डूलाल गोपाल सर। बोल मेरे पोपट लड्डू गोपाल। तो सुन मेरे लाल, हम अपने दादा की अस्थियां ड्रॉप करने काशी इंडिया जा रहे थे। ओके। दादा अंग्रेजों के जमाने के थे। ठीक छे। 14 अगस्त के मिडनाइट को मेरी दादी के पेट में पेनिंग हुआ और वो जोर से चिल्लाई कुकड़ू। किसकी कथा है लड्डू गोपाल? दादा एंड सन्स की। वो कथा मैं क्यों सुनूं? सुबह से बकरा नहीं मिला। तेरे दादा ने तुझे लड्डू दिया, मुझे थोड़ी दिया। सर आपको भी मिलेगा, सुन लीजिए। दो शब्दों में निपटाऊंगा। बोल। दादा हुए तो परदादी रो रही थी। पर तभी तेरे परदादा तो हंस रहे थे ना। सर उनकी पांचवी बर्थडे 10 साल में हुई, बहुत बड़ा केक आया तो था। उसमें केक मेरे से क्यों कटवा रहा है? 5 साल की उम्र में 5 बर्थडे ही होते हैं। वो सॉल्टी गुलाब जामुन बहुत अच्छा बनाते थे, घर वालों को खा खा के डायबिटीज हो गई। मैसूर पका पका भी अच्छा बनाते थे, सब खा के पक जाते थे। ये गुलाब जामुन तेरे को लड्डू गोपाल बोला? तूने तो पूरी मिठाई की दुकान खोल डाली। मेरे को पहले ही डायबिटीज है। गेट आउट। साइन करता है के हस्ताक्षर। इसके हस्ताक्षर क्यों चाहिए? इसके पास ना पैसा है ना जमीन है, मेरे पास 150 रुपए में काम करता है। इसके पास पूरी सोने की खदान है, गोल्ड माइन। भांग चढ़ाई है क्या? रेणु के दादा यानी मेरे गुरुजी ने आखिरी दम लेते हुए अपनी सारी प्रॉपर्टी ये पोंगा पंडित के नाम कर दी है। क्या बोलो डैड? उसका वायरल किया हुआ वीडियो भी है। अरे ओ सुब्रमण्यम, तुझे अपना दामाद कहते हुए शर्म से सिर झुक जाता है। मेरी पोती को इतने दुख दिए, प्रॉपर्टी के लिए उसकी जान लेने की कोशिश की। जानते हो उस हवन वाले दिन जिस इंसान ने मेरी पोती की जान बचाई, उस देवता का नाम केदारी है। और आज मैं उसके नाम अपनी पूरी प्रॉपर्टी लिखता हूं। बेटा केदारी, तुमसे एक विनती है, मेरी पोती रेणुका को जीवन में कभी भी कोई तकलीफ मत होने देना, मुझसे वादा करो। ए पोंगा पंडित, तेरे हाथ पूजा करने के लिए बने हैं, उससे पैसे नहीं गिन पाएगा। चल जल्दी सही कर। नहीं करूंगा। करता है कि गोली मारू? मार खोपड़ी में। ए पोंगा पंडित, ये हवन नहीं करने का है, घोड़ा दबाया तो वकील हेवन पहुंच जाएगा। अरे तेरी तो बकुड़ा। अरे अरे बस कर, हाथ जोड़ू छू, बस कर। धनम मूलम इदम जगत, ये सारा संसार सिर्फ पैसों पर चलता है और इसी पैसे के लिए इंसान अपने संस्कार भूलकर अपनों को भी मरने मारने पर उतर आता है, राक्षस बन जाता है। प्रॉपर्टी मेरे लिए मायने नहीं रखती, लेकिन दादाजी की बात मेरे लिए मायने रखती है कि रेणुका को खुश रखना है और मन की खुशी के लिए दौलत जरूरी नहीं। आप ये प्रॉपर्टी रख लीजिए। रेणुका की खुशी में ही मेरा स्वर्ग छिपा है। मेरे दादाजी की अस्थियां, जी करता है कि तुम्हारा मुंह मीठा कर दूं सॉल्टेड गुलाब जामुन से। इसमें सिर्फ आपके दादाजी की अस्थियां नहीं है, आपकी उनके प्रति श्रद्धा भी भरी है। छोटे होल्ड इट, थैंक यू बीड़ी माचिस। तुम्हारी दादी की अस्थियां मैंने काशी में विसर्जित की थी, मेरी अस्थियां भी काशी में विसर्जित कर देना बेटा। Thank you.
तो हम लोग टेक करें। क्या यार क्या बोलते हो? तू बोल। चलिए शॉट रेडी है, एक और टेक करते हैं। एक और, एक और। चार दिन से कुछ खाया नहीं है। यह आके तुम्हें धक्का देगी। तुम्हें पहले पुलअप्स करने हैं। पैकअप कर यार, भूख लगी है। चलो उठो टेक करते हैं। ए दुर्गा जगदम्बा काली माता। कट कट। डायलॉग क्या है? बोल क्या बोल रहे हैं? क्या करते हो तुम लोग? अब चलो चलो चलो। नो नो, दिस इज एक्चुअली ही गेव यू अ ब्लेसिंग। एक सेल्फी लेते हैं ना यार। चाचा डायलॉग बोलो ना, ज्यादा डांस मत कराओ यार। द क्लाइमेक्स में मेरी शादी करवा देते यार। तुम भी ना। हेलो। कैमरा घूमना चाहिए और क्या बोलता है, उसके बाद तुम एंट्री लोगे। ज्यादा नजदीक मत जा, नीचे आ। ऐसे मुंह बनाएगा तो डायलॉग भूल जाऊंगा ना। मैं आपकी सर की कसम खा के बोलती हूँ। सॉरी सॉरी, एक मिनट, मैं भी भूल गया। पहले तू मारेगा ऐसे और फिर मैं घुमा के ऐसे आराम से। चल एक और। अरे आराम से। यू फ्रेम में तुम आओगे। तुमने डायलॉग तो याद किए? नहीं नहीं, उसके बाद बोलना है। पिटवाओगे आप भी अमेरिका में? उसके बाद ब्लास्ट करेंगे। देख लो एक बार, स्वीट डिश में लड्डू मिलेगा। क्या हुआ? कट करो, एक और टेक लेंगे। कुछ तो सीरियस हो जाओ यार। हाँ यो यो यो,